हेलो हेलो हेलो। ऑलराइट, हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू वॉर फॉर ग्लोरी फाइनल्स प्रेजेंटेड बाय रशार ई स्पोर्ट्स। एंड आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट T1 अंडरडॉग टीम्स को कम्पीट करते हुए उस खिताब के लिए, वॉर फॉर ग्लोरी के उस खिताब के लिए आप वन ऑफ द बेस्ट T1 अंडरडॉग टीम्स को कम्पीट करते हुए देखने वाले हो। एंड यहाँ पर हमारा एरेंगल का गेम कुछ ही देर में शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा। विद इन 5 सेकेंड्स वी विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आर फ्लाइंग पाथ। मेक श्योर कीजिए आप स्ट्रीम को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एज वी स्टार्ट ऑफ आर रैंगल गेम। हम चार्ज्ड अप है, हमारे प्लेयर्स चार्ज्ड अप है टू गिव अस एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट एन एब्सोल्यूट एंटरटेनमेंट फ्रॉम दिस वॉर फॉर ग्लोरी फाइनल्स मैच नंबर 1 एज वी स्टार्ट ऑफ विद आवर रैंगल गेम। एंड लॉक सबसे तेज हमारे लिए पायलट का रोल अदा करेंगे। चेकआउट करेंगे इस एक्सक्लूसिव फ्लाइंग पाथ को जो कि इनिशिएट होता हुआ फ्रॉम सेवर्नी रीजन्स एंड टूवर्ड्स नोवर एपनोए। ये फ्लाइंग पाथ आपको समाप्त होता हुआ नजर आने वाला है। दिस फ्लाइंग पाथ इनिशिएट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ एरेंगल एंड टूवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एरेंगल। ये फ्लाइंग पाथ आपको समाप्त होता हुआ नजर आने वाला है एंड प्रीटी मच फेवरेबल फ्लाइंग पाथ अगर टीम्स के नजरिए से देखा जाए। एक चुनौती होगी टीम्स को टू एक्सेस द वेस्टर्न एजेस, जार्की, जॉर्जपुल, हॉस्पिटल, गटका, क्वेरी एंड प्रीमोस के रीजन को एक्सेस करना विल बी अ टफ जॉब फॉर द टीम्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न एजेस, जिसका मतलब कामिश की, लिपोवका, मिल्टा पावर एंड नोवर एपनोए, इन रीजन्स को एक्सेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत आसान टीम्स के लिए साबित होने वाला है। नंगा गैंग एज यूजुअल दे आर हेडिंग टूवर्ड्स यसनाया पोलियाना रीजन्स, मिल्टा पावर की रीजन्स की ओर। एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स हमें अक्सर लूट करते हुए नजर आते हैं। लूनेटिक 2.0 दे आर हेडिंग टूवर्ड्स रोजॉक रीजन्स एंड फिलहाल के लिए रोजॉक में सोलो टीम लूट करते हुए लूनेटिक ईस्पोर्ट्स हमको नजर आएंगे। एंड कोई चैलेंज उनके लिए है नहीं, कोई गन फाइट, कोई अर्ली एंगेजमेंट का सामना लुनेटिक ईस्पोर्ट्स को फिलहाल के लिए करना है नहीं। एंड आसानी से अपनी लूट कलेक्ट कर लेंगे एंड फर्दर रोटेशंस एग्जीक्यूट की जाएगी। कुछ ही देर में आपको सर्कल नंबर 1 इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा एंड सर्कल नंबर 1 काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है। क्या यहाँ पर हमें सर्कल नंबर 1 टूवर्ड्स सॉसनोवो का मिलिट्री बेस आइलैंड बनता हुआ नजर आ सकता है या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स सर्कल कैन वी सी इट फेवरिंग जार्की रीजन्स? कुछ भी संभव है यहाँ पर वॉर फॉर ग्लोरी फाइनल्स में। टॉप 14 टीमें आपको क्वालिफाई करती हुई नजर आएंगी बट क्लाउड 9 लियो ऑन द अदर अधीरा को पिक ऑफ कर लिया गया एंड वो फर्स्ट ब्लड निकल कर आता हुआ क्लाउड 9 के प्लेयर्स के द्वारा हमको देखने को मिलेगा। बट नो, लियो इज नॉक डाउन 2 एंड क्लाउड 9 इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस गेम दे आर स्ट्रगलिंग। क्लाउड 9 की ओर हम चलेंगे जल्द से जल्द। इनिशियल स्टेजेस में वहां पर पिछड़ रहे हैं टीम 11। नो, निंजा बॉय विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम नंबर 11। बोट को पिक किया है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स रोटेशन उनके द्वारा देखी जाएगी बट शुभम एक फिनिश उनके द्वारा भी वहां पर अपने खाते में अर्जित किया जाएगा एंड एक टीम एलिमिनेट हुई है। आई गेस 3 फिनिशेस T9 ईस्पोर्ट्स ने, क्लाउड 9 ने अपने खाते में अर्जित किए जरूर से। एक अच्छी शुरुआत क्लाउड 9 ईस्पोर्ट्स को मिल चुकी है। फॉल बैक करते हुए हमें नजर आए रेफ किलर की एचपी थोड़ी बहुत लो होती हुई हमको देखने को मिलेगी। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पिन करके रखा गया है वहां पर रेफ किलर को। ही इज बेली सर्वाइविंग ऑन 10 एचपी। बगी का इस्तेमाल करके कवर बनाया जाएगा। रेफ किलर को रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे उनके टीममेट लैनिस्टर बट लैनिस्टर इज ऑल्सो सर्वाइविंग इन बेर एचपी बट शुभम लॉन्ग रेंज से वापस शॉर्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है विद दैट शॉर्ट गन बट वोंट बी एबल टू सक्सीड। पेन ऑन टॉप ऑन द अदर हैंड सर्जी को पिक अप किया है। ओ माय गॉडनेस, टीम नंबर 13 जान हलक में थी वहां पर। शुभम वहां पर अपने लिए
अपनी उजी सिक्योर कर ली थी, बट एसएमजी वेपन के साथ इतने ज्यादा लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में शॉर्ट कनेक्शन बनाने इज अ बिट डिफिकल्ट। बट लियो एक ओपनिंग उनके द्वारा क्रिएट की गई थी। ऑन दी अदर हैंड नवाब पिक्स ऑफ एडब्ल्यू मुतीब लैनिस्टर, गलती कर दी आपने एंड उस गलती की पनिशमेंट वहां पर अभी ओपी ने जो बची कुची कसर थी वो पूरी कर दी है। नोवा एबी एंड जोकी विल बी द डुअल सर्वाइविंग फ्रॉम टीम नंबर 13 एंड C9 Esports विद फुल कॉन्फिडेंस दे आर स्क्वेयरिंग अपॉन देम। चार्ज इन करते हुए क्लाउड 9 Esports के प्लेयर्स, क्लोज इन करते हुए टीम 13 के प्लेयर्स के ऊपर नजर आने वाले हैं एंड बैकफुट पे ढकेल दिया गया है। टीम 13 इनिशियल स्टेजेस में बिखरते हुए नजर आएंगे, दे आर इन डीप प्रेशर। लियो की एचपी हम जरूर से लोते हुए देखेंगे, बट लुनेटिक Esports ऑन द अदर एंड दे आर इन टू डीप ट्रबल एज दे हैव कंज्यूम्ड एन ओपनिंग। चलेंगे हम लुनेटिक के प्लेयर्स की ओर। एक नॉक वहां पर कंज्यूम किया गया था शायद ऑन द अदर एंड, लॉस बॉय को फिनिश करेंगे, अजीज जॉर्ड को, केन को फिनिश किया जाएगा, दार ओपी पिक्स ऑफ उस्मान जॉर्ड। आई गेस लुनेटिक 2.0 ने वहां पर कुछ नॉक्स कंज्यूम किए थे, बट INR ऑन द अदर एंड डुअल कैजुअलिटी कंज्यूम कर ली गई है वहां पर उस्मान जॉर्ड एंड लॉस बॉय के रूप में एंड ये डुअल सर्वाइव करता हुआ पैराबॉय। Blasty is knocked down. Shahid will be the last man surviving. Lunatic Esports, they are struggling. Shahid comes up with his grenade. ये well cooked grenade दिक्कत दिक्कत कर सकता है वहाँ पर आया ना तो ये fire आता हुआ connection बनाएगा. Sapro, you beauty. Lunatic Esports, they are eliminated on #20 and are they the first team to be eliminated from this game? Yes, sir. Team number 12, they will become the first team to be eliminated from this game and Beast with Paidan पे इस game से एक early exit लेते हुए नजर आएंगे. Eternal कह रहे team AW दिखाओ. ऑलराइट, टीम AW की तरफ भी चलेंगे बट पहले फेस्नियो Esports, व्हाट बाफा वहां पे एक सिली कैजुअलिटी का सामना करते हुए, फेस्नियो Esports एक सिली कैजुअलिटी का सामना करते हुए नजर आएंगे इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस गेम। AW Esports बैक एंड एरिया से वो मदद आ रही है साहिल के लिए, क्लोज इन किया जा रहा है, ग्रेनेड आया, मैजिशियन विद दैट ओपनिंग क्रिएटेड, साहिल इज नॉक्ड डाउन। फेस्नियो Esports इस फाइट का कंट्रोल लेना चाहेंगे, नॉकडाउन कर दिया है साहिल को, फिनिश भी कर दिया जाएगा एंड ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो बचे हुए दो प्लेयर्स है हरीब एंड साहिल उनके ऊपर। फेस्नियो Esports काफी ज्यादा अग्रेसिव टीम है एंड इनिशियल स्टेजेस में फाइट इनिशिएट करने से बिल्कुल भी कतराते नहीं है, उनका गन पावर अक्सर हमें इस टीम से देखने को मिला है, बट दैट मोलोटोव वो अटेम्प्ट की गई थी साहिल के द्वारा, बट फिलहाल के लिए कुछ खासा कनेक्शन उस मोलोटोव का बनता हुआ हमको देखने को मिला नहीं है। AW के प्लेयर्स नंबर्स डिसएडवांटेज उनके पास मौजूद है, उसके बावजूद वहां पर कोई भी कमी, कोई भी कॉन्फिडेंस में उनके कमी हमको देखने को मिलेगी नहीं। बैक एंड एरियाज पर टीम 18 के प्लेयर्स भी हमें मिल्टा के रीजन्स में मौजूद देखने को मिलते हैं एंड ऑब्वियसली बात है गन शॉट्स का आवाज सुन के कान जरूर से खड़े हो गए एंड दे माइट लुक फॉर अ थर्ड पार्टी एज वेल। थर्ड पार्टी से यहाँ पर फेस्नियो एज वेल एज AW दोनों टीम्स को बचना होगा, बट व्हाट इज साहिल डूइंग? साहिल थोड़े बहुत बैक एंड एरियाज पर जा चुके हैं ना, गेस AW के प्लेयर्स यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ फॉल बैक, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट। ऑलरेडी वहां पर दो कैजुअलिटीज कंज्यूम कर ली गई है एंड दे डोंट वॉन्ट टू बी एलिमिनेटेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस गेम। और एक टीम एलिमिनेट हुई है एंड वी विल चेक आउट। ऑल राइट, टीम नंबर 13 दे आर ऑल्सो एलिमिनेटेड ऑन #19 पोजिशन। Ayano P says red line दिखाओ, Fury Gaming says respect for you bro, sexy casting, thank you so much bro, Beast Gamer says AW, alright sir, red line दिखाओ, red line की ओर हम चलेंगे, red line Esports, slot, कौन सा slot है red line का? Actually I'm not sure about the slot of a red line. But Rashar Esports, somewhere they are heading towards Rozok regions and they might challenge Lunatic Esports. फिलहाल के लिए स्कूल regions में मौजूद है, vehicles अच्छे खासे amount में collect कर लिए गए हैं वहाँ पर Rashar Esports के players के द्वारा and circle के अंदर मौजूद, circle के काफ़ी ज़्यादा deep मौजूद है Rashar Esports, but they are going for a rotation. I guess center hold करने का plan यहाँ पर Rashar Esports ने बनाया है and दलेरी बड़ा move यहाँ पर Rashar Esports के द्वारा देखा जाएगा। They are heading towards the circle, circle का center hold करना चाहते हैं and अमूमन काफी ज्यादा रिस्की होता है टू होल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस गेम, बट रिस्क है तो इश्क है। Rashar Esports विदाउट एनी फियर दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक कमांडिंग पोजीशन में रहना चाहेंगे इन द इनिशियल स्टेजेस, फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस एरेंगल गेम। बट इफ वी हेड ऑन टू नोवा रेपनोय, नोवा रेपनोय में वो जो महायुद्ध शुरू हुआ था टीम नंबर 21 एंड टीम 10 के बीच में, फाइट क्लब वहां पर फाइट इनिशिएट करती हुई नजर आएगी विद टीम नंबर 21 एंड अभी तक ये फाइट किसी भी डायरेक्शन में रुक लेती हुई हमको देखने को मिली नहीं है। बट अ ग्रेनेड, नो
that grenade didn't make connection, but Fesneau Lynch on the other end, Fesneau Esports, they have secured that opening. And वहां पर maybe close in करते हो Fesneau के players, हमको नजर आएंगे. Lynch, oh no no, Lynch is knocked down as well. Arib, what are you doing? दोनों भी players को down कर दिया गया. Fesneau Esports, they are struggling. Arib, ये Molotov को pull करना चाहेंगे. इस 1v1 को बिल्कुल भी गवाइएगा मत, because Nawab, he is the last man surviving. Arib, he is closing in. Uzi versus GBS, कौन सी गन जीतेगी? गलत समय पर. Oh my God, AW Esports out of nowhere. Fesneau Esports, they are eliminated on hashtag 18. That brilliant 1v3 by AW Arib, the savior of AW Esports. Arib has just pitched up in heaven. पीछे से INR के players भी third party करना चाहेंगे, but the hero for AW Esports, Arib, with that brilliant 1v3, AW Esports survive and circle की ओर बढ़ना चाहेंगे, but उनसे पहले deal करना होगा INR के players के साथ, जो कि धीरे धीरे करके वहां पर डिस्टेंस क्लोज इन कर रहे हैं. धीरे धीरे करके उनके द्वारा भी वहां पर क्लोज इन आएगा. AW, यू आर नॉट येट फिनिश्ड. INR आपके सामने चुनौती के रूप में है, बट क्या वहां पर AW के प्लेयर्स को अंदाजा है INR के प्लेयर्स के बारे में? महफूज बैठे वहां पर सैप्रो. नोवर एपनॉय की ओर चलेंगे, वो फाइट इनिशिएट हो चुकी है. फाइट क्लब ने एक नॉक वहां पर कंसिडर किया जरूर से. गॉड इज नॉक डाउन, ऑन टॉप को फिनिश ऑफ कर दिया गया है. टीम 21 FC, they are on back foot as Museb, he will be the last man surviving, pulls up a grenade, and ye grenade nirnayak hone wala hai. Agar ye grenade connection banata hai is match mein, wapas comeback karte hue hame fight club nazar aayenge, but kuch khasa connection wo grenades Museb ke karte hue unko nazar nahi aaye. But Museb, instead of falling back, he is closing in. He has that trust on himself. He is going for that 1v3. P-Fire mein waha par. On top makes connection. Fight Club, a monumental upset for them. They are eliminated on hashtag 17th position. No word Apnoi ko conquer kar liya hai. Team 21 ne vehicles collect karke circle ki or badhna chahenge. Airdrop number 1 on the other end. Aagman karta hua Yasna ya Poliana ke regions mein. And hum is airdrop ki or dhyan kendrit karna chahenge. The Devil's favorite MG3 with level 3 helmet vest, 4 times scope, a backpack level 3 ka and 7.62 ki 100 bullets. Neo on the other end picks off KMR Uzair and Ease Esports, they are into a fight. Chalenge hum Uzair ki aur, wo jo opening unke dwara create ki gayi thi. Dhyan kendrit karna chahenge, kya waha par frag collect kiya gaya hai Umair ke dwara? Ya fir abhi bhi thoda bahut passive khelti hui unki team hame filhal ke liye nazar aayegi. उमेर के द्वारा निकाला गया था फ्रैग या फिर नियो के द्वारा? ओके, केएमआर उजेर केम अप विद दैट ओपनिंग, क्रिएटेड नॉकडाउन हुए थे आई गेस नियो के द्वारा, बट रिवाइवल उनको सही समय चलते दे दिया गया है. ना 4v4 की फाइट पर अब की हुई, दोनों भी टीम्स इक्वल अमाउंट ऑफ मेंबर्स अलाइव है यहां पर, इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेयर्स अलाइव है यहां पर. ये 4v4 की हेल्दी फाइट किस दिशा में करवट लेगी? कौन सी टीम आपको लगता है चिकन डिनर निकाल सकती है इस रैंगल के गेम में? जरूर से वहां पर चैट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा अपनी फेवरेट टीम का नाम. कौन सी टीम ये आप फैन हो, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, किस टीम को आप देखना चाहते हो, वहां पर चैट में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा. बट दूसरा सर्कल हमेशा हमें एक सेंट्रलाइज शिफ्ट दिखाता है, यहां पर भी एक सेंट्रलाइज शिफ्ट दिखाएगा. सेकेंड सर्कल विल गो फॉर अ सेंट्रलाइज शिफ्ट फेवरिंग Yasna ya Poliana, एंड Yasna ya Poliana काफी ज्यादा क्रूशियल पोर्शन होने वाला है. मैक्सिमम टीम्स विल हेड टुवर्ड्स Yasna ya Poliana रीजन, एंड वो मेन बिल्डिंग का चार्ज कौन सी टीम लेगी वो एक सवाल होगा. अगर बात की जाए एयरड्रॉप नंबर 2 जो कि आगमन करता हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी AWM मौजूद इस एयरड्रॉप के अंदर विद 8 टाइम्स स्कोप, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट विद बैकपैक लेवल 3 एड्रेनालिन सिरिंज एंड 300 मैग्नम की बहुमूल्य 20 बुलेट. जैसे कि कहा जाता है AWM इज नॉट अ गन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड लेट्स सी यहां पर कौन सी टीम की कौन से प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना चाहेंगे. बट अगेन Cloud9, दे आर अगेन इनटू अ फाइट. सरवार प्लेयर्स ने और एक फ्रैग अपने खाते में वहां पर कलेक्ट किया है. आई गेस सोलो प्लेयर बचे थे उनको वाइप आउट कर दिया गया, बट नो नो टीम हैज बीन एलिमिनेटेड येट. एक फ्रैग वहां पर क्लाउड नाइन के प्लेयर्स ने अपने खाते में और कलेक्ट किया, एंड टोटल अमाउंट ऑफ 8 फिनिशेस हैज बीन सिक्योर्ड बाय देम. एक अच्छी शुरुआत यहां पर क्लाउड नाइन ईस्पोर्ट्स को मिल चुकी है. सर्कल की ओर बढ़ना होगा, एक लेट रोटेशन फिलहाल के लिए वहां पर क्लाउड नाइन ईस्पोर्ट्स के द्वारा देखी जाएगी, बट जल्द से जल्द सर्कल की ओर बढ़ना यहां पर क्लाउड नाइन ईस्पोर्ट्स के नजरिए से काफी ज्यादा जरूरी. बट Fesneau इज नॉक डाउन, Uzair केम अप विद दैट रिटेलिएशन, एंड वहां पर Fesneau को पिक ऑफ कर लिया गया है. जल्द से जल्द रिवाइवल देना होगा. क्या वहां पर एक वन नॉक पुश वाली स्ट्रेटेजी
हमको टीम 16 के प्लेयर्स के द्वारा देखने को मिली। क्या रशियार ई स्पोर्ट्स एक वन नॉक पुश वाली स्ट्रेटेजी वहां पर अपनाते हुए नजर आएंगे? नो, नॉट येट। रिवाइवल वहां पर इमीडिएट नियो को दे दिया गया है, अभी भी इस फाइट को प्रॉपर तरीके से इनिशिएट होने में समय है, अभी भी कुछ डिसीजन, कुछ भी रिजल्ट इस फाइट का निकलने में समय है। फिलहाल के लिए दोनों टीम्स पैसिवली अपने अपने पोर्शन से एक दूसरे के ऊपर डैमेज डील करेंगे एंड ये जारी रहेगा सिलसिला दोनों भी टीम्स के बीच में। दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी, जब तक कोई टीम क्लोज ना करे इस कहानी का अंत हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर उजैर के ऊपर थोड़े बहुत शॉर्ट कनेक्शंस बनाए पेन ने उनके DP28 के उस बोस्ट के साथ, बट अगर हम ध्यान केंद्रित करें हमारा 2B4B की ओर, उनके पीछे से रोटेट करते हुए हमें टीम नंबर 2 नजर आए। दे आर स्ट्रेट अवे हेडिंग टुवर्ड्स 2B4B, 2B4B उनकी तरफ आ रहे हैं। व्हाट व्हाट व्हाट, IGL ने वहां पर रुके, हीरल को बोला स्प्रे, तस्वीर के ऊपर वहां पर स्प्रे किया और के साथ में वहां पर नॉक करना थोड़ा बहुत ठीक था, बट वो तस्वीर कश्मीर के ऊपर वहां पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा IGL के द्वारा। विद दैट ऑल ही वांट्स टू मेक कनेक्शन, ही वांट्स टू नॉक हिम डाउन बट वोंट सक्सीड। एंगल्स क्रिएट किए जाएंगे, 2B4B अग्रेसिव टीम है एंड छोड़ेंगे नहीं यहां पर, जो इजी फिनिशेस उनको ओपन में मिल रहे हैं। फाइट इनिशिएट की जाएगी। ऑन दी अदर एंड टीम नंबर 2 वहां पर कश्मीर के ऊपर प्रेरक करेंगे, कश्मीर इज नॉक डाउन। टीम नंबर 2 इन द इनिशियल स्टेजेस दे हैव कंज्यूम्ड अ नॉक एज वेल एज दे हैव कंज्यूम्ड अ कैजुअल्टी। कंपाउंड की प्राप्ति हो चुकी है, हार्ड कवर की प्राप्ति हो चुकी है, 2B4B मोमेंटम उनको मिल चुका है। दे वोंट लीव दिस फाइट, वहां पर मे बी चेस किया जाएगा टीम 2 के प्लेयर्स को एंड इस फाइट को अपने हित में डील करना चाहेंगे। रष्टप्ता आई गेस ही वांटेड टू डील अ स्प्रे, बट राइट नाउ वी विल सी अ ट्रिगर डिसिप्लिन बाय हिज साइड एंड वहां पर स्प्रे डील करते हुए नजर आएंगे। नहीं, पैसिवली उस कंपाउंड के अंदर वेट किया जाएगा, पैसिवली उस कंपाउंड के अंदर थोड़ा बहुत सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, बट रोइंग दे इज स्ट्रेट अवे Going towards a circle, INR Esports, they are into a fight, but I guess AW ko baar kar diya gaya. Wow, throwing them in that angle, oh my god, he made connections, itne zyada long range wahan par vehicle tracing ki Rohind ne, almost wahan par 50 HP kar diya tha players ko, lekin immediate vehicle uthai, they are heading towards the hard compound, hard cover, compound ki prapti ho jayegi, ek bada compound apne khate mein yahan par, single fire Esports सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। पीछे से 2B4B का स्लैम इन आना बाकी है। दिस एंटरटेनमेंट इज अबाउट टू बिगिन। रोहिंग द विंटर स्प्रे मेड कनेक्शंस बट वोंट बी एबल टू नॉक 2B4B। क्या उस कंपाउंड में रुकेंगे? रुक गए हैं वहां पर एंड चेकआउट किया जाएगा। थोड़ा बहुत रिटेलिएशन वहां पर बचा हुआ है एंड कसर पूरी की जाएगी यहां पर 2B4B के द्वारा। टीम नंबर 2 एट द सेम टाइम जिस टीममेट को खोया है उनका भी रिटेलिएशन वहां पर चाहेंगे एंड स्क्वायर अप किया जाएगा यहां पर 2B4B के प्लेयर्स के द्वारा। बट IGL Brilliant IGLing by him. Look at this angle. ये position काफी ज़्यादा crucial होने वाली है यहाँ पर team number 15 के लिए। ताहा को वापस spot किया है। ताहा जैसे ही open में आएंगे, no, गलती कर दी थी वहाँ पर ताहा ने। I guess IGL की position के बारे में वहाँ पर अभी भी single fire esports को अंदाजा है नहीं and IGL की एक crucial position will be very much important अगर 2B4B के नजरिए से देखा जाए। Opening create अगर कर दी वहाँ पर, look at रोहिणी दे, रोहिणी दे वहाँ पर सेम रणनीति निभाएंगे। रोहिणी दे के ऊपर IGL को बिना समय व्यतीत किए वहां पर क्लोजिंग करना चाहिए, बट पीछे से TTH दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट फाइट। रोटेशन वहां पर जारी रखी है अजय ने। Without checking those players, he is straight away executing his rotation and तीसरे सर्कल की बात की जाए, तीसरा सर्कल नॉर्थ वेस्टर्न हार्डशिप देता हुआ हमको देखने को मिलने वाला है। नॉर्थ वेस्टर्न हार्डशिप का मतलब मैक्सिमम टीम्स को सर्कल के अंदर बढ़ना है, मैक्सिमम टीम सर्कल के बाहर थी, मैक्सिमम टीम्स को सर्कल के अंदर बढ़ना है। रोटेशन जो इनिशिएट की गई थी अजय के द्वारा वो रोटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी एंड यहाँ पर कंपाउंड की प्राप्ति अजय ने कर दी है। वहां पर स्काउट का रोल बखूबी निभाया है, बट 2B4B की ओर हम चलेंगे। लेकिन उनके द्वारा हमको देखने को मिली रश्मता इज नॉक डाउन, सिंगल फायर, दे आर डाउन टू वन मैन एज लॉक विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग। उनके ऊपर क्लोज इन करते हुए 2B4B के प्लेयर्स, ही इज इन अ सिचुएशन ओपन B4, लेकिन उनको भी, ओह माय गॉड, अप सच यू ब्यूटी, घूम कर वहां पर DBS कनेक्शन बनाया लॉक के ऊपर। विद दैट ब्यूटिफुल रिफ्लेक्स 2B4B सर्वाइव्स, सिक्योर्स 4 फिनिशेस फॉर देम। एक अच्छी शुरुआत 2B4B को मिल चुकी है एंड रोटेशन विल बी अ चैलेंज फॉर देम बिकॉज सर्कल के अंदर इनफ स्पेस नहीं है। 44 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव इन द थर्ड सर्कल एंड ये काफी ज्यादा ह्यूज नंबर है एंड 2B4B को
यहां पर एक बड़ा चैलेंज फेस करना होगा, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए सर्कल उन्हें फेवर कर रहा है, लेकिन जब अगला सर्कल, चौथा सर्कल इनकेस अगर उनके ऊपर से कटता है, रोटेशन विल बी अ ह्यूज टास्क देयर फॉर 2B4B, बट फिलहाल के लिए पैसिवली इस कंपाउंड के अंदर 2B4B के प्लेयर्स होल्ड करते हुए नजर आएंगे, बट द जॉब इज नॉट डन येट। पीछे से एनाटॉमिक की नजरें हैं उस कंपाउंड के ऊपर, एनाटॉमिक माइट बी लुकिंग फॉर एन ओपनिंग क्रिएटेड। एनाटॉमिक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीम, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन रशार। यहां पर एनाटॉमिक के प्लेयर्स दे माइट लुक फॉरवर्ड टू गो फॉर दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के ऊपर अपनी नजरें केंद्रित करना चाहेंगे, बट इंस्टेड दे आर हेडिंग डीप इनसाइड द सर्कल। एक आउट ऑफ द बॉक्स रोटेशन वहां पर बॉट प्लेयर के द्वारा हमको देखने को मिलेगी, बट रशार ई स्पोर्ट्स अदनान के रूप में वहां पर नॉक कंज्यूम किया गया है। रशार ई स्पोर्ट्स दे आर स्ट्रगलिंग, नॉक कंज्यूम किया गया है, बैकफुट पे ढकेल दिया गया है। रशार ई स्पोर्ट्स को आई गेस फिनिश भी कर दिया गया है, जी नहीं, अभी भी अदनान वहां पर नॉकडाउन है, रिवाइवल उनको दिया गया है नहीं, एंड रशार ई स्पोर्ट्स इनफ समय उनको मिल जाएगा, अदनान को रिवाइवल दे दिया गया है। एंड अगेन फोर मैन परफॉर्म करते हुए रशार स्पोर्ट्स नजर आएंगे, बट उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है वहां पर क्लाउड नाइन के प्लेयर्स ने। एक ट्रिपल थ्रेड फाइट, बिकॉज बैक एंड एरियाज पे हमें लुनेटिक ई स्पोर्ट्स भी मौजूद देखने को मिलती है। लुनेटिक ई स्पोर्ट्स वर्सेस रशार वर्सेस क्लाउड नाइन, दिस इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ बैटल। कौन सी टीम यहां पर इस फाइट को अपने खाते में डील करेगी? नॉक कर दिया गया है अहमद को अभी विद दैट ओपनिंग क्रिएटेड। विल सी नाइन गो फॉर दैट स्लैम इन और नॉट? पैसिवली खेल रहे हैं ऑलरेडी, अपने खाते में अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर फिनिशेस निकाल लिए गए। मे बी यहाँ पर गेम की पेस को स्लो करना चाहेंगे एंड कुछ सर्वाइवल गेम प्ले निकाला जा सकता है। 8 फिनिशेस अपने खाते में अर्जित कर लिए गए, 2 टीम्स को इस मैच से बाहर कर दिया है एंड एक अच्छी पोजीशन में फिलहाल के लिए क्लाउड नाइन। साहिल को पिक ऑफ कर लिया गया, AW आई गेस दे आर एलिमिनेटेड ऑन आशक 14th पोजीशन। वन शॉट इज नॉक डाउन, 2B4B वर्सेस Anatomic Esports, we wanted to witness this fight, but out of nowhere, Anatomic Esports, no! They are eliminated on hashtag 13th position, 2B4B, they are the bullies of big boys. 2B4B wipes out Anatomic Esports, but circle की ओर बढ़ना होगा, चौथा circle initiate होता हुआ, and एक Northern Archive, चौथे circle के द्वारा हमको देखने को मिलने वाला है, and circle के भीतर, team number 3, टीम नंबर 5 एज वेल एज टीम नंबर 21। सदर्न एज पर बात की जाए टीम 14 एज वेल एज रशार ईस्पोर्ट्स भी मौजूद, आगमन कर चुके हैं लुनेटिक ईस्पोर्ट्स टुवर्ड्स द सर्कल। इमीडिएट डिसीजन मेकिंग उनके द्वारा हमको देखने को मिलेगी। INR दे आर स्टिल इन दिस गेम, सैप्रो एंड पैराबॉय का ये डुअल सर्वाइव करता हुआ, ग्रेजुअली दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल 2। C9 ईस्पोर्ट्स वेस्टर्न रीजन से सर्कल की ओर बढ़ना चाहेंगे, मे बी 2B4B के साथ में वहां पर बेड़त होती हुई हमको नजर आएगी, बट डेट 2B4B कंज्यूमर कैजुअलिटी नो। Chelsea with solo 5 finishes, brilliant work by him, and 2B4B, they will head towards the circle. Upsurge ke 3 finishes, Chelsea ke 5 finishes, and circle ki or 2B4B ko yahan par badhna kaafi zyada zaruri hai. 2B4B, they might clash with Cloud9 Esports, Northern Region se Nanga Gang bhi circle ki or badh rahi hai. IGL, I guess, wahan par changul mein fas chuke hai Nanga Gang ke players ke, and mujhe awaaz aayi bike ki, what? रिपर बाइक के साथ वहां पर साइकिल के साथ में रोटेट करते हुए नजर आए एंड एक काफी ज्यादा बोल्ड मूव वहां पर रिपर के द्वारा हमको देखने को मिला, बट नंगा गैंग बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन में है नहीं फिलहाल के लिए। वो एक छोटा सा डेप वहां पर होल्ड करके रखा है, एक छोटी सी पोजीशन में तीनों के तीनों प्लेयर्स सप्रेस कर रहे हैं। अगर वहां पर 2B4B की नजरें उनके ऊपर पड़ती है, 2B4B माइट गो फॉर दैट फाइट, बट इंस्टेड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल। सर्कल को यहां पर प्रेफरेंस देते हुए 2B4B के प्लेयर्स हमको नजर आएंगे। Nexus Esports says ops से stream कर रहे हो क्या? No bro, stream champ से कर रहा हूँ। IGL is knocked down, higher ground से team 4 के players punish करते हुए, but Zerad immediate decision making by him, Zared माफ कीजिएगा, immediate decision making by him, oh my god, code को knockdown कर दिया गया है। EOC they are on back foot, Zagred जैसे ही वहाँ पर opening create की गई, Ghost OP ने knockdown कर दिया है Chelsea को, down to 2 man हो चुकी है। वो grenades आ रहे हैं, grenades connection बना रहे हैं, gradually players are bleeding out, बट Zagred उन्हें पता है उस पोजीशन पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, दोनों बीच प्लेयर्स को बचाना वहां पर पॉसिबल नहीं है। Zagred, Zagred, no, no, their HP में पिक ऑफ कर लिया अनुराग, यू ब्यूटी, 2-4-3-4, they are eliminated on hashtag 12, अनुराग विद दैट ब्रिलियंट कार्ड रेसिंग, Zagred वाज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, उन्हें पिक ऑफ कर लिया गया अपने खाते में। तीसरा फ्रैग टीम नंबर 3 कलेक्ट करती हुई नजर आएंगी। कश्मीर प्ले सेज लेट्स गो केवी, ऑलराइट लेट्स गो केवी की ओर हम चलेंगे। टीम के वी आर स्टिल इन दिस गेम, आदीन इज द सोलो प्लेयर सर्वाइविंग, शैक का सहारा लेना चाहेंगे एंड महफूज बैठेंगे उस शैक के अंदर, अजीज द सोलो मैन सर्वाइविंग, शैक के अंदर बिल्कुल महफूज बैठना होगा वहां पर आदीन को, अगर वहां पर अपने खाते में और ज्यादा
अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट निकालने, बट रहीम जॉर्ड को नॉकडाउन कर दिया गया। बोल्ड मूव देयर बाय अदीन। अमूमन सोलो प्लेयर्स इतना ज्यादा एक्शन क्रिएट करते हुए हमें नजर आते नहीं है, बट अदीन के साथ ड्रैगन बोल्ड मूव, ही इज गोइंग फॉर वन मोर स्प्रे। अगर वहां पर एक बोल्ट एक्शन मौजूद है टीम 19 के प्लेयर्स के पास, अदीन का यहाँ पर काम खत्म हो सकता है, अदीन की यहाँ पर स्टोरी खत्म हो सकती है, केवी की यहाँ पर स्टोरी खत्म हो सकती है। बट रिवाइवल वहां पर दे दिया गया है, रहीम जॉर्ड को बेरी सर्वाइविंग ऑन 10 HP एंड वहां पर जीवन दान मिलता हुआ। सर्कल की ओर नंगा गैंग को बढ़ना है, यहाँ पर जल्द से जल्द व्हीकल को पिकऑफ करके सर्कल की ओर बढ़ना है, यहाँ पर नंगा गैंग के नजरिए से काफी ज्यादा जरूरी। वो टैप शॉट्स के चलते अदीन कॉन्स्टेंट प्रेशर वहां पर बना रहे नंगा गैंग के प्लेयर्स के ऊपर, एंड सर्कल की ओर बढ़ना विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर देम बिकॉज व्हीकल्स अच्छे खासे अमाउंट में उनके पास मौजूद है नहीं। मिराडो वहां पर कूप माफ कीजिएगा ऑलमोस्ट स्मोक्ड आउट हो चुकी है, एंड बचती है मात्र एक बाइसिकल जिसके चलते रोटेट करना विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर देम। पेन इज नॉक डाउन, रशारी स्पोर्ट्स नॉक कंज्यूम किया है वहां पर अहमद के रूप में, रशारी स्पोर्ट्स के ऊपर वो क्लोज इन आता हुआ टीम 14 के प्लेयर्स के द्वारा हमको देखने को मिलता है। उजर कम्स अप विद दैट ग्रेनेड, वो ग्रेनेड सादा है, कनेक्शन अगर बनता है वहां पर पेन के ऊपर, रशारी स्पोर्ट्स कम बैक के द्वारा हमको देखने को मिल सकता है, बट एक फ्लैंक एंगल वहां पर एड्रॉइड शॉट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। जैकोबी को पिक अप कर लिया गया है, डाउन किया जाएगा उजर को। ओह माय गॉड, रशार ईस्पोर्ट्स उनकी कहानी इस एंगल के गेम में समाप्त हो चुकी है 10 पायदान पर। सर्कल की ओर टीम 14 को बढ़ना है, जोन वहां पर अपना डैमेज डील कर रहा है, चारों भी प्लेयर्स जोन के चलते बिल्कुल भी इस मैच से बाहर होना चाहेंगे नहीं। एड्रॉइड जॉर्ड वहां पर आएंगे सर्कल के चलते, उनको पिकअप किया जाएगा सर्कल के अंदर से, टीम्स उनके ऊपर स्प्रे डील करें बट सक्सेसफुली ही विल मेक इट टू द सेफ जोन। वहां पर कवर की प्राप्ति हो जाएगी, जो इज नॉक डाउन, डेमेट्रियो केम अप विद दैट स्प्रे, एसडीओ को भी नॉक डाउन कर दिया गया, एसडीओ पर जोन के चलते नॉक डाउन होंगे। Parabo is knocked down as well. INR Esports, they are about to get eliminated as Sapro is the last man surviving. Psycho on the other end. Pain ko bhi pick off karenge. Kya baat hai bhai, aaj bahut josh mein ho Nexus Esports. Thank you so much. Yes bhai, josh hai final ka. Josh is very much high. Sapro, revival de diya gaya Parabo ko, INR Esports aur kuch der survive karenge. They are aiming for that winner chicken dinner. एंड नीचे स्ट्रगल करती हुई टीम नंबर 21 ऑन टॉप नॉकडाउन हो चुकी है। ऑन टॉप को रिवाइवल अभी तक दिया है या नहीं? ऑन टॉप को रिवाइवल दिया जा रहा है, ग्रेनेड, पैरा बॉय विद दैट ग्रेनेड, गॉड विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग। वहां पर क्लोज इन कर चुके हैं, आई गेस उनकी पोजीशन के बारे में अभी भी INR के प्लेयर्स को अंदाजा है नहीं। गॉड, ही कैन गो फॉर दिस 1v2। AKM मौजूद है एंड AKM क्लोज रेंज में कितना ज्यादा ब्रूटल डैमेज डील करती है इस बात का अंदाजा सभी प्लेयर्स को बनी बाती है। Brilliant there by God, closing karna chahenge Sapro ke upar daromadar 1v1 ki fight, God versus Sapro, AKM versus DBS, I guess, but DBS ka sara lenge Sapro, P5 ready ki coaches, connection banaye jayega, God ke upar damage though under out, God is struggling as he makes no connection, Sapro you beauty, INR survives, team 21, they are eliminated on hashtag 8 position, EOC, they are in a commanding position. Cloud9 has been eliminated on hashtag 6 position, INR, they are struggling to make it to the circle, first aid pop in ki jayegi, heal battle kiya ja raha hai Sapro ke dwara, badi yaar rannik ki jayegi, EOC, they want that chicken dinner as their 4-man strong, unke raste ka kaata Cloud9 ban sakti hai because they are 4-man strong as well, but ye aapke liye paanch hi, maine total amount of 11 players, achhe bhai fighting knocked down, immediate U turn diya jayega wahan par, EOC ek knock wahan par kar chuke hai, I guess 2 knock wahan par kar chuka diye gaye, 4 knock wahan par bhai sab kar chuka diye gaye, kisi ko karne ki koshish lekin peeche se sar baat les, knock down karenge ghost topi ko, EOC, oh my god, EOC has been wiped out, bas thi aapke liye 3 teamein, adeen the solo player, KV has been eliminated, oh my god, Cloud9 Esports with that ruthless, reckless win a
एट टू वहां पर INRE स्पोर्ट्स विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 8 फिनिशेस. केवी दे आर एलिमिनेटेड ऑन हैशटैग 3 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 4 फिनिशेस. अधीन द हीरो फॉर केवी सोलो प्लेयर सर्वाइव किया, 4 फिनिशेस निकाले एंड अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक, एक सम्मानजनक पोजिशन तक पहुंचाया है वहां पर.
बात की जाए चौथे पायदान पर, TTH एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 4 फिनिशेस. EOC दे आर एलिमिनेटेड ऑन #5 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 1. लुनेटिक स्पोर्ट्स दे आर एलिमिनेटेड ऑन #6 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 2 फिनिशेस. एड्रॉइड जॉट की टीम सातवें पायदान पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे. टोटल अमाउंट ऑफ 5 फिनिशेस हैव बीन सिक्योर्ड बाय देम एज वेल. नंगा गैंग विद द टोटल अमाउंट ऑफ 0 फिनिशेस. इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, कमबैक की वापस जरूरत होगी नंगा गैंग के द्वारा. 8 फिनिशेस के द्वारा 0 फिनिशेस के साथ आठवें पायदान पर एलिमिनेट होंगे. एक्सोडस ऑन टॉप की टीम नौवें पायदान पर विद द टोटल अमाउंट ऑफ 5 फिनिशेस. रशारी स्पोर्ट्स विद द टोटल अमाउंट ऑफ ओनली 1 फिनिश. दे आर एलिमिनेटेड ऑन #10. ग्यारहवें पायदान पर नॉट हेलेक्स की टीम एक फिनिश के साथ. 2B4B विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 8 फिनिशेस. दे आर एलिमिनेटेड ऑन #12. अनएटॉमिक दे आर एलिमिनेटेड ऑन #13 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 4 फिनिशेस. AW दे आर एलिमिनेटेड ऑन #14 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 4 फिनिशेस. टीम 15 दे टीम रश सिंगल फायर ईस्पोर्ट्स दे आर एलिमिनेटेड ऑन #15 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 0 फिनिशेस. एंड EMP ईस्पोर्ट्स दे आर एलिमिनेटेड ऑन #16 विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 0 फिनिशेस. Fight Club, they are eliminated on #17 with a total amount of 1 finish. Fesnio, 18th paydan pe is match se bahar kar diye jayenge with a total amount of 2 finishes. 19th paydan pe JCB Jockey ki team 0 finishes ke saath mein eliminate hoti hui nazar aayenge. And Lunatic 2.2, 2 finishes ke saath 20th paydan par eliminate hote.
हेलो 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 ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक. हमारा मैच टू मिरामार के मैप से निकल कर आता हुआ एंड वी आर ऑल सेट, ऑल चार्ज्ड अप, ऑल पम्प्ड अप फॉर दिस मिरामार एंटरटेनमेंट. इरांगल के गेम से वहां पर क्लाउड नाइन ई-स्पोर्ट्स केम अप विद दैट ब्रिलियंट विनर विनर चिकन डिनर. एंड एक कहानी रही है, जो भी टीम इरांगल में टॉप फाइव में फिनिश करती है कहीं ना तो कहीं मिरामार के गेम में हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आती है. एंड लेट्स सी यहां पर मिरामार के गेम में क्लाउड नाइन ई-स्पोर्ट्स क्या अपने प्रदर्शन को बरकरार रखती है, क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं क्लाउड नाइन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, या फिर स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे इस मिरामार के गर्म मौसम में. कुछ ही देर में यहां पर हमारा मिरामार का फ्लाइंग पथ आ जाएगा विद इन 25 सेकेंड्स. बने रहिए हमारे साथ. जितने भी लोग देख रहे हैं मेक श्योर कीजिए आप स्ट्रीम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. लॉस्ट बॉय कह रहे हैं भाई स्ट्रीम बैक क्यों नहीं हो रही. स्ट्रीम तो बैक हो रही है ब्रो. ओके गाइस, हियर वी गो. फ्लाइंग पथ हमारा मिरामार का आ चुका है एंड वी विल टेक अ लुक एट दिस एक्सक्लूसिव फ्लाइंग पथ. फ्लाइंग पथ किस दिशा में करवट लेगा एक नजरें होगी. 69 डिमेट्रियो सबसे तेज प्लेन उड़ाएंगे, पायलट का रोल अदा करेंगे हमारे लिए एंड वी ट्रस्ट हिम. पुअर तो पराइजो से ये फ्लाइंग पथ, पुअर तो पराइजो से नहीं बट पुअर तो पराइजो के वेस्टर्न रीजन से ये फ्लाइंग पथ इनिशिएट होता हुआ एंड टूवर्ड्स द वेस्टर्न रीजन ऑफ तोरिया उमदा ये फ्लाइंग पथ आपको समाप्त होता हुआ नजर आने वाला है. इस फ्लाइंग पथ के नजरिए से देखा जाए तो वेस्टर्न रीजन ऑफ मिरामार को एक्सेस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. यह फ्लाइंग पाथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता इरांगल के फ्लाइंग पाथ से, हालांकि वो फ्लाइंग पाथ नॉर्दर्न रीजन से इनिशिएट हुआ था और ये फ्लाइंग पाथ सदर्न रीजन से इनिशिएट हो रहा है, बट दोनों भी फ्लाइंग पाथ
ईस्टर्न रीजन को ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे एंड यहाँ पर मिरामार के गेम में सिमिलरली वेस्टर्न रीजन को एक्सेस करना विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर द टीम्स. चुमासेरा, वेलेदेलमार, एल्पोजो, मोंटेनुएवो, लैडरेला, ला कोब्रेरिया, क्रेटर फील्ड्स, इन सारे रीजन्स को एक्सेस करना विल बी अ टफ जॉब फॉर द टीम्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल एज वेल एज द ईस्टर्न रीजन, इम्पाला, एल अजहर, तियरा ब्रॉन का, कैंपो मिलेतार, इन सारे रीजन्स पर टीम्स एक्सेस कर सकती है, अपना दबदबा टीम्स बना सकती है, अपनी छाप इन जगहों पर टीम्स छोड़ सकती है. बट मे भी काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पर सेकेंडरी प्लान अपनाते हुए नजर आए, सेकेंडरी ड्रॉप लोकेशन को एक्सेस करते हुए नजर आए. बट इफ यू टॉक अबाउट टीम नंबर 21, उनका आगमन हो चुका है इम्पाला के रीजन्स में, बट उनके साथ उन्हें कंपनी देने के लिए टीम 13 के प्लेयर्स मौजूद. शेयरिंग इज केयरिंग, एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थॉट बच्चों को सिखाया जाता है, सबको सिखाया जाता है, काफ़ी सारे लोग इस बात पर अमल भी करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग. बट BGMI में यहाँ पर उल्टी स्थिति होती है, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग. BGMI में जहाँ आप अपना ड्रॉप लोकेशन शेयर कर रहे हो वहाँ पर खून खराबा होना पक्का है. देखते हैं यहाँ पर टीम 13 एंड टीम 21 कितने अच्छे पड़ोसी है, क्या वहाँ पर एक ब्रो कोड साइन किया जाएगा. दोनों भी टीम्स अपने अपने जोन को, अपने अपने इलाके को लूट करेंगे एंड सर्कल की ओर अपनी रोटेशन को जारी रखेंगे एंड बाद में लेटर ऑन फाइट इनिशिएट की जाएगी या फिर अपने खाते में 4 अर्ली फिनिशेज सुनिश्चित करके ही पहले सर्कल के अंदर बढ़ा जाएगा. पहले सर्कल की बात की जाए, पहला सर्कल फेवर करता हुआ नॉर्दर्न मिरामार को. फिलहाल के लिए सर्कल के नॉट बीचो बीच कहूंगा मैं, बट ऑलमोस्ट काफी ज्यादा डीप हमें हासियन द डेल पेट्रॉन मौजूद देखने को मिलता है, जंक यार्ड एज वेल. एंड ये सर्कल फिलहाल के लिए फेवर करता हुआ नॉर्दर्न मिरामार को, मे बी ये सर्कल और ज्यादा फेवर करता हुआ सेकेंड सर्कल नॉर्दर्न आर्टशिफ्ट लेकर मे बी और ज्यादा नॉर्दर्न मिरामार की ओर शिफ्ट होता हुआ हमको इनकेस नजर आ सकता है. मेरे हिसाब से सेकेंड सर्कल विल गो फॉर अ नॉर्दर्न आर्टशिफ्ट. इटर्नल ओपी सेइंग ओपी साइथर ब्रो, थैंक यू सो मच इटर्नल भाई. अपनी अपनी प्रेडिक्शंस चैट में जरूर से रखिएगा गाइस. सेकेंड सर्कल आपको क्या है, नॉर्दर्न शिफ्ट, सदर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न शिफ्ट, कौन से रीजन को फेवर करेगा, तोरे ओमुदा, मिनास गेंड्रेलिस, सैन मार्टिन या फिर एल अजहर, इन रीजन्स को फेवर करता हुआ क्या हमें सर्कल देखने को मिल सकता है. हालांकि टीम 13 के प्लेयर्स एक अग्रेसिव रणनीति अपना जरूर से रहे, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस फाइट. ऑफिशियली ये फाइट इनिशिएट हो चुकी है, दोनों भी टीम के प्लेयर्स शॉट अटेम्प्ट कर चुके हैं, दोनों भी टीम के प्लेयर्स वांट दैट ब्लड ऑन देयर वेपन. एंड मैक्स वाइटी थोड़ा बहुत उस फ्लैंक एंगल को टीम 13 के प्लेयर्स के कट ऑफ करना चाहते हैं, बट फैजान इज नॉक डाउन. लैनिस्टर विद दैट ओपनिंग क्रिएटेड, टीम नंबर 13 दे माइट टेक अ कंट्रोल ऑफ दिस फाइट. ओपनिंग वहां पर लैनिस्टर के द्वारा क्रिएट की गई है, दिस फाइट हैज बीन ऑफिशियली इनिशिएटेड एंड मे बी टीम 13 के प्लेयर्स क्लोज इन कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए पैसिवली वहां पर वेट किया जाएगा. फैजान को गोकू इमीडिएट रिवाइवल देने के लिए उनके ठीक नजदीक मौजूद थे, रिवाइवल दिया जाएगा फैजान को एंड अगेन अ फोर मैन स्ट्रॉन्ग खेलती हुई टीम 21 हमको नजर आएंगी. इफ यू हेड ऑन टू अदर टीम्स, इफ यू हेड ऑन टू लॉस लियोन्स, वहां पर भी टीम 17 अपना ड्रॉप लोकेशन शेयर करते हुए नजर आने वाले विद द टीम 14 हायर ग्राउंड को एक्सेस करते हुए. फिलहाल के लिए एमबॉट नजर आए, सिमेंट्री एरियाज को लूट जरूर से कर रहे हैं, बट दोनों भी टीम्स के बीच में इनफ डिस्टेंस हमें मौजूद देखने को मिलता है. लॉस लियोन्स इज अ ह्यूज ड्रॉप, मिरामार में सबसे बड़ा ड्रॉप लोकेशन हमें लॉस लियोन्स देखने को मिलता है. इनफ अमाउंट में व्हीकल्स भी मौजूद है, आएंगे टीम 14 एंड टीम 17 विदाउट इनिशिएटिंग फाइट अपनी लूट कलेक्ट कर लेंगे. एमबॉट काफी ज्यादा ओपन में गए जरूर थे, आई गेस उन्हें स्पॉट किया है नहीं, एंड टीम 14 एंड टीम 17 दोनों भी टीम्स को आई गेस एक दूसरे की पोजिशन के बारे में यहाँ पर अंदाजा नहीं है. इतनी ज्यादा यहाँ पर ह्यूज ये ड्रॉप लोकेशन हमको देखने को मिलता है, इतना ज्यादा स्पेस इस ड्रॉप लोकेशन में हमें मौजूद देखने को मिलता है, जिसके चलते मे बी प्लेयर्स फाइट इनिशिएट ना करें, व्हीकल्स कलेक्ट करके सर्कल के अंदर अपनी रोटेशन को यहाँ पर प्लेयर्स जारी रख सकते हैं. बट ही इज नॉक्ड आउट, वो रिटेलिएशन आया टीम 13 के प्लेयर्स के द्वारा, नॉट रिटेलिएशन बट और एक नॉक उनके द्वारा निकाला गया है. बट क्लोज इन आता हुआ रेफ किलर एंड जेसीबी, जो कि दैट क्लोज इन उनके द्वारा हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो कि कम्स अप विद दिस ग्रेनेड. एंड ये ग्रेनेड अगर सही जगह पर जाता है दिक्कतें खड़ी कर सकता है टीम 21 के प्लेयर्स के लिए. ऑलरेडी वहां पर मैक्स वाइटी नॉकडाउन हो चुके, तीन प्लेयर यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर्स एडवांटेज वहां पर टीम 13 के पास मौजूद है. ग्रेनेड वहां पर जोकी का कुछ खासा कनेक्शन बनाता हुआ नजर आया नहीं, लेकिन फैजान इज नॉकडाउन. रेफ किलर यू ब्यूटी, वो ऑफ गार्ड एंगल एट लास्ट प्ले ऑफ कर गया, लेकिन गलती कर दी यहां पर, ओवर कमिट कर गए रेफ किलर एंड इससे ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल DMR का क्लोज रेंज में बिल्कुल भी नहीं देख सकते. नोवा को भी डाउन कर दिया गया है एंड टीम 21 दे आर ऑन फ्रंट फुट नाउ. गोकू बेयर एचपी में सर्वाइव कर रहे, क्लोज इन आता हुआ उनके ऊपर जो की चार्ज इन करते हुए जो की बैठ गए हैं,
क्या वहां पर विन 94 के साथ, ओ माय गॉड, विन 94 के साथ में क्लोज रेंज में ज्योति को डाउन करेंगे। ड्रेकन वेट कर रहे थे वहां पर, गोकू बेट बनाया गया एंड टीम 21 है ना, दे आर बैक इन दिस गेम, दे आर बैक इन दिस फाइट। फैजान को रिवाइवल दिया जाएगा एंड बचते हैं मात्र लैनिस्टर। नोवा को रिवाइवल देने की पूरी कोशिश लैनिस्टर करना चाहेंगे एंड ये फाइट को तब्दील करना चाहेंगे इन अ 2v4। जेसीबी स्पोर्ट्स समवेयर दे वर अहेड इन दिस फाइट बट नाउ दे आर ऑन बैक फुट। पछाड़ दिया गया है वहां पर। Eternal OP is saying missed you brother, thank you bro, I missed you all too। Anatomic Esports से काफी ज्यादा hopes है, let's see यहाँ पर किस प्रकार से Anatomic Esports प्रदर्शन करती है यहाँ पर War for Glory में, but finish कर दिया है Nova को with that pistol। Lannister is falling back instead of initiating that fight, वहाँ पर fall back किया जा रहा है Lannister के द्वारा and इस fight को delay करना चाहेंगे कुछ अपने टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट्स बटोरना। ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है यहाँ पर लैनिस्टर के द्वारा, बट एल अजहर की कहानी की ओर हम बढ़ेंगे जहाँ पर टीम 22 उसकी बिल्डअप होने वाली है टीम 20 के प्लेयर्स के साथ। टीम 20 दे आर चार्जिंग इन 4v4 की फाइट एंड थोड़ा बहुत ओवर कमिट करते हुए टीम 20 के प्लेयर्स कंट्रोल इस फाइट का लिया जरूर से एंड सब कूनोगा सबका नोगा, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, सबक उनोगा सोलो प्लेयर उस बिल्डिंग के अंदर, उनके ऊपर क्लोज इन करते हुए टीम 20 के प्लेयर्स साथ निभाने के लिए गॉड भी मौजूद जो कि फिलहाल के लिए लो एचपी में सर्वाइव कर रहे हैं। एक मोलोटॉफ की वहां पर साउंड आई जरूर से, एक बढ़िया गेम सेंस वहां पर गॉड के द्वारा हमको देखने को मिली। जैसे ही वहां पर मोलोटॉफ का आवाज सुना उस रूम में से बाहर निकले मोलोटॉफ को डॉट किया, मिस्टर गॉड इज नॉक डाउन। सोबा कनुगा ही इज द सोलो प्लेयर इन दैट बिल्डिंग, क्या वहां पर अपने टीममेट का रिटेलिएशन लिया जा सकता है। बैक एंड एरिया से कवर आ जरूर से रहा है क्लैश रोलन के द्वारा, उनको भी पनिश कर दिया गया है। हाई ग्राउंड से 2v4b रोलन को डाउन कर दिया गया है एंड 2v4b के प्लेयर्स वहां पर हाइट एडवांटेज से थर्ड पार्टी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, थर्ड पार्टी का पूरा फायदा लेते हुए सबकुनोगा थोड़ा बहुत डैमेज उनके ऊपर भी डील किया जा रहा है। सबकुनोगा, ओ नो, सबकुनोगा व्हाट आर यू डूइंग, डाउन कर दिया गया फराज को, लेकिन एट लास्ट सबकुनोगा को भी डाउन किया जाएगा। लोग भी वापस बेयर एचपी में सर्वाइव करें, जल्द से जल्द हील करना चाहेंगे। टाइटन ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर टीम 22, जल्द से जल्द अंदर क्लोजिंग करना होगा बिकॉज ऑफ फराद इज नॉट डाउन। बचते हैं तीन प्लेयर्स, फराद को रिवाइवल देने से पहले वापस क्लोजिंग करना होगा। लोकी विद द टी फायर TBS क्लोज रेंज में काफी ज्यादा इंपैक्ट गन है, काफी ज्यादा ओवर पावर गन है। टाइटन को इस बात का बड़ी बात याद आता है, प्री फायर M249 का कनेक्शन बनाया वहां पर, दरवाजे को तोड़ना चाहेंगे। ब्रिलियंट वर्क देयर बाय शैडो, 2v4v विद दैट इमीडिएट थर्ड पार्टी स्लैम इन, टीम 20 दे आर अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड। लोकी नॉकडाउन, सोलो प्लेयर नॉकडाउन हुए, तीन प्लेयर सर्वाइव करेंगे लेकिन हीलिंग्स मौजूद नहीं है। बैंडेजेस पॉपिंग किए जाएंगे, चर्सी वहां पर ओपन से क्लोजिंग कर रहे थे, फराद विद दैट प्री फायर बट मेक नो कनेक्शन, गलत समय पर मॉली पुल कर गई। बाकी के दोनों प्लेयर्स हील कर चुके हैं, शैडो अपनी हीलिंग प्राप्त कर चुके हैं, अंडर नीचे जंप कर गए, अंडर को पनिश करना चाहते थे, चर्सी जी नहीं, फिरागेद वहां पर पनिश करना चाहते थे लेकिन उनके द्वारा चोक देखने को मिलेगा। चर्सी, ओ नो, आईजीएल इज नॉकड आउट, 2v4b वहां पर एलिमिनेट हुआ जा सकता है लेकिन अननोन बेयर एचपी में सर्वाइव कर रहे थे। चर्सी पिक्स हिम ऑफ, 2v4b सर्वाइव्स, तीनों प्लेयर नॉकडाउन हो चुके थे, एक समय के लिए जान हलक में थी वहां पर, बट चर्सी द हीरो। लास्ट प्लेयर को पिक ऑफ किया जाएगा जागरेद के द्वारा, वहां पर थोड़ा बहुत चोक हमको देखने को मिला बट लकी रहेंगे वहां पर। चर्सी रिवाइवल देंगे सारे प्लेयर्स को एंड 2v4b ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके थे बट दे आर स्टिल इन दिस गेम, दे आर स्टिल अलाइव, उनके फैंस खुश होंगे। क्रूज डेल वेले में आगमन करता हुआ एयरड्रॉप नंबर 1 की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। मिरामार की फाइट्स काफी ज्यादा स्टेडी पेस में हमें ढलती हुई नजर आती है एंड ऑलमोस्ट सारी फाइट्स खत्म हो चुकी है फोर्थ सर्कल की। सेकेंड सर्कल का हमें वेट करना होगा, सर्कल छोटा होगा, प्लेयर्स को फोर्स करेगा टू इनिशिएट देयर फाइट्स। बात की जाए एयरड्रॉप नंबर 1 की, AMR मौजूद विद लेवल 3 हेलमेट वेस्ट, सप्रेसर AR का, लेवल 3 का बैकपैक, मेड किट एंड 50 BMG की 5 बुलेट। AMR द फन वेपन, फन के लिए यूज करते प्लेयर्स, अमूमन कॉम्पिटेटिव स्क्रिम्स में इस्तेमाल AMR का कम होता है कंपेयर टू क्लासिक, क्लासिक में ज्यादा इस्तेमाल करते प्लेयर्स बट कॉम्पिटेटिव में इतना ज्यादा प्रेफरेंस AMR को दिया जाता है नहीं बिकॉज मात्र 5 बुलेट मौजूद होती है एंड प्लेयर्स को पसंद है प्री फायर देना एंड AMR के प्री फायर में ही पांचों के पांचों बुलेट्स अगर खत्म हो जाती है तो किस काम की वो AMR, बट काफी ज्यादा ओवर पावर्ड गन है, मात्र एक बुलेट में डाउन करने की प्लेयर को क्षमता रखती है वो गन इफ लेवल 2 का वेस्ट हो तभी। बट ये भी AMR को प्रेफरेंस देते हुए प्लेयर्स को नजर आएगी। बट 4RB e-sports ऑफर काफी ज्यादा नजदीक से उन्होंने टिक के मूव किया, रिस्की हो सकता था बट अभी भी उस प्रेस बरकरार है। टीम नंबर 18 सही समय पर वहां पर रिच की प्राप्ति हो जाएगी बट अभी भी
दे आर नॉट सेफ येट. रेज ऑन द अदर हैंड किलर 96 को पिक ऑफ किया जाएगा. एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स दे आर इनटू एक्शन. अजीज जॉर्ड ज्वाइन इन करते हुए नजर आएंगे एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स के लाइनअप में. एंड एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स पिछले गेम में वहां पर 2v4b के द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए थे. एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स माइट बी लुकिंग फॉर अ रिवेंज एज वेल एज अ रिटेलिएशन. 2v4b के साथ में जैसे ही बढ़त होगी एक उभर के आती हुई एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स हमको देखने को मिलने वाली है. बट राइट नाउ एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स दे आर स्क्वेयरिंग अप अपॉन टीम नंबर 24. क्लोज इन आता हुआ हमें वन शॉट के द्वारा देखने को मिला. M416 4x स्कोप के साथ मौजूद प्रोन करके स्प्रे देना चाहते थे बट सही समय पर जुनेद वहां पर फॉल बैक कर गए. टीम 24 ऑलरेडी दे हैव कंज्यूम्ड अ कैजुअलिटी. किलर 96 को फिनिश कर दिया गया. उनका फिनिश अपने खाते में आई गेस रेज कलेक्ट करते हुए नजर आए. अजीज जॉर्ड विद दोज एंगल क्रिएटिंग कुछ एंगल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं वहां पर टीम 24 के प्लेयर्स के ऊपर. वन शॉट इन अ कमांडिंग पोजिशन. निर्णायक होने वाली है ये पोजिशन वन शॉट की बिकॉज इस पोजिशन से अगर वहां पर ओपनिंग क्रिएट करते हैं आई गेस 2v4b आई गेस माफ कीजिएगा टीम नंबर 24 को बैकफुट पे ढकेला जा सकता है. जुनेद बेर 10 HPs पर वापस सर्वाइव करते हुए एंड बॉट्स लेयर अपने टैप शॉट्स के साथ में वहां पर जुनेद को महफूज रखा गया है. दूसरा सर्कल क्या लगता है गाइज? दूसरा सर्कल नॉर्दर्न शिफ्ट. मेरे हिसाब से नॉर्दर्न शिफ्ट फेवरिंग तो रहे उमदा नॉट फेवरिंग तो रहे उमदा बट क्रूज दिल वेले यस. एक ईस्टर्न हार्डशिप सर्कल के द्वारा हमको देखने को मिला. लैनिस्टर विल बी हैप्पी इनफ बिकॉज सर्कल के अंदर ज्यादा लंबी रोटेशन उनको लेनी नहीं है एंड कुछ चंद मीटर सर्कल की ओर बढ़ना है. बट तीसरा सर्कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. लैनिस्टर उस तीसरे सर्कल के लिए अपने माइंड को जरूर से प्रिपेयर कर रहे होंगे बट ध्यान केंद्रित करेंगे एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स के ऊपर जो कि धीरे धीरे करके चढ़ाई करते हुए टीम 24 के प्लेयर्स के ऊपर धीरे धीरे करके जैसे अजगर वहां पर कुंडली बनाता है वहां पर धीरे धीरे करके एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स कुंडली बनाते हुए धीरे धीरे करके कसेंगे भी उस कुंडली को टीम 24 के प्लेयर्स के ऊपर. लेकिन एनाटॉमिक रेज फंस गए पीछे से थर्ड पार्टी टीम 21 माफ कीजिएगा मैक्स वाईटी. He went for that spray but won't make any connections and Anatomic Esports Rage survives. Lucky enough, वहाँ पर उस spray को survive किया. Once in a lifetime, वहाँ पर ये opportunity मिलती है players को because अमूमन T1 underdog players sprays जो करते हुए में नजर आते नहीं है. एक ही मौका आपको मिलता है एंड वहाँ पर एक दूसरा मौका मिल चुका है. पीछे से 2v4b they are closing in. 2v4b versus Anatomic Esports again. दो दिग्गज टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी. IGL ही इज क्लोजिंग इन. उन्हें अंदाजा नहीं है सामने एनाटॉमिक की पूरी लाइनअप मौजूद है. आई गेस 2v4b दे आर लुकिंग फॉर थर्ड पार्टी बट जुनेद को नॉकडाउन कर दिया गया. वन शॉट में डिसीजन ऑफ डाउन कर दिया गया बजैक्स को भी एजैक्स को भी माफ कीजिएगा. एंड टीम 24 आई गेस दे आर एलिमिनेटेड. यस सर टीम 24 दे आर एलिमिनेटेड. फ्लावर लास्ट प्लेयर बचे थे उन्हें पिक ऑफ किया रेज विद दैट ब्रिलियंट 1v3. एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स चार वाले फिनिशर्स अपने खाते में अर्जित कर लिए गए. सर्कल के अंदर भी एक अच्छी पोजीशन. बॉट स्लेयर सही तरीके से अपने चारों प्लेयर तीनों प्लेयर का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से स्ट्रैटेजीज एज वेल एज रोटेशन ऑन पॉइंट वहां पर बॉट स्लेयर के द्वारा हमको देखने को मिलेगी. एक अच्छे IGL का एग्जाम्पल आपको चाहिए तो बॉट स्लेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर बट उनके ऊपर मौजूद 2v4b आई गेस उनके पोजिशन के बारे में अंदाजा नहीं है. IGL घात लगाए बैठे जैसे ही प्लेयर ओपन में आएंगे IGL विल डील अ स्प्रे. IGL का ये स्प्रे काफी ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है बिकॉज 2v4b अगेन वहां पर एनाटॉमिक के ऊपर दबदबा बनाना चाहेंगे अपना. 2v4b wants to take down Anatomic Esports again in this Miramar game. पिछले गेम में रैंगल के गेम में टेकडाउन किया था Anatomic Esports को यहां पर मिरामार के गेम में भी करना चाहेंगे. लेकिन जागृत इज नॉक डाउन पीछे से टीम 21 विद दैट थर्ड पार्टी आई गेस जागृत इज फिनिश्ड ऑफ. कैजुअलिटी वहां पर कंज्यूम कर ली गई है. ट्राई आउट्स ऑन द अदर एंड 4GL ZD को पिक ऑफ करेंगे. 4GL ईस्पोर्ट्स दे आर इनटू अ फाइट अगेन. 4GL ईस्पोर्ट्स उंदा टीम है बट यहां पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आने वाले. ट्राई आउट्स के द्वारा वो ओपनिंग क्रिएट हुई जरूर से थी बट आई गेस दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग दैट फाइट और दे आर क्लोजिंग इन ऑन 4GL ईस्पोर्ट्स. सीडी के रूप में वहां पर एक कैजुअलिटी कंज्यूम करती है. 4GL ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी देयर ऑन बैकफुट. ब्लास्टी कम्स अप विद दैट M24 हेडशॉट कनेक्शन ऑन FC Fahim Fight Club वहां पर एक नॉक कंज्यूम किया है. मुसेब इज ऑल्सो नॉक डाउन वॉल ऑन अर्थ. फाइट क्लब अगेन दे आर स्ट्रगलिंग. फाइट क्लब अगेन दे आर ऑन बैकफुट. सर्जियो एंड सुकुना विल बी द डुअल सर्वाइविंग फ्रॉम फाइट क्लब. बहुत ज्यादा बैक एंड एरियाज पर लैग कर रहे हैं. फुरकान मुसेब को फिनिश ऑफ करेंगे. सर्जियो स्क्वेयर अप करते हुए फुरकान के ऊपर. जैसे ही फुरकान ओपन में जाएंगे सर्जियो विल पनिश हिम ऑफ. फुरकान आई गेस सर्जियो की पोजीशन के बारे में वहां पर अंदाजा है नहीं एंड सर्जियो इज इन अ क्रिटिकल पोजिशन. ही इज इन अ क्रूशियल पोजिशन. यहां पर फाइट क्लब को बचाया जा सकता है. फाइट क्लब फहीम को यहां पर बचाया जा सकता है अगर टेक डाउन करने में सक्षम. लेकिन व्हाट ऑन अर्थ द आरओपी डाउन्स सुकुना.
लास्ट प्लेयर सर्जियो बचते शैक के अंदर से वहां पर फुरकान स्प्रे अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड सर्जियो हैव नो एंगल्स नो ऑप्शंस प्रोन कर गए ओपन में करना चाहते थे ब्रिलियंट ओ माय गॉड सर्जियो यू ब्यूटी बेयर पिक्सल वहां पर हेड का दिख रहा था फुरकान का एंड नॉक कर दिया है फुरकान को ब्लास्टी के ऊपर 20 स्प्रे अटेम्प्ट करना चाहेंगे फाइट क्लब उनके द्वारा रिटेलिएशन आ रहा है मोलोटोव अटेम्प्ट की जाएगी मोलोटोव निर्णायक होने वाली है फुरकान को वहां पर फिनिश ऑफ करना चाहेंगे दारोपी ही इज क्लोजिंग इन लुनेटिक ईस्पोर्ट्स दे आर क्लोजिंग इन टुवर्ड्स फाइट क्लब सर्जियो एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड दे आर इनिशिएटिंग दैट फाइट दारोपी वहां पर क्लोज इन आता है उनके द्वारा हमको देखने को मिलेगा सर्जियो पुल्स अप दिस ग्रेनेड इज गोइंग टू बी क्रूशियल आई गेस शैक के अंदर मौजूद नहीं है बट शैक के बाहर मौजूद है वो ग्रेनेड आया ओह माय गॉड दैट ग्रेनेड मेक कनेक्शन ऑन दारोपी लुनेटिक ईस्पोर्ट्स व्हाट आर यू डूइंग शायद वहां पर उनके पास ग्रेनेड मात्र एक मौजूद है सर्जियो के ऊपर उस ग्रेनेड के साथ कनेक्शन बनाना चाहेंगे बट सर्जियो वहां पर 10 एचपी हो चुके रेज ऑन द अदर एंड आर्वन ड्रेकन को पिक ऑफ किया है ट्राई आउट नॉक्स डाउन फोर जीएल क्लच गॉट रेज नॉक्स गेट्स नॉक डाउन एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स दे आर स्ट्रगलिंग एज वेल फैजान आर्वन ड्रेकन को पिक ऑफ करेंगे बट सर्जियो ये ग्रेनेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दारोपी के ऊपर वहां पर क्लोजिंग करते हुए ब्लास्टी ग्रेनेड समाप्त हो चुके सर्जियो इज इन अ पोजीशन ऑफ 1v3 वी विल हेड ऑन टू एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स उभर चुके उस फाइट से अजीज जॉर्ड विद दैट मोलोटोव गोकू को भी डाउन कर दिया गया है एंड टीम 21 विद इन अ सेकंड दे आर एलिमिनेटेड ऑन #17th position पर वहां पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे 2v4b दे आर स्टिल इन दिस गेम चर्सी कुछ ओपनिंग्स वहां पर क्रिएट करते हुए 2v4b के लिए नजर आएंगे एंड वी विल हेड ऑन टू हिज टीम आईजीएल नॉकडाउन हो चुके आईजीएल को रिवाइवल देना जरूरी सर्जियो को पिक ऑफ कर लिया गया है एंड फाइट क्लब दे आर एलिमिनेटेड ऑन #16th पोजीशन अब सर्च चर्सी नॉकडाउन करेंगे रेनबो को चर्सी वहां पर कमान संभालते हुए 2v4b की नजर आएंगे डील करते हुए टीम 23 के प्लेयर्स के ऊपर सिंगल हैंडेड पूरा पर दबाव बनाया जा रहा है स्प्रे अटेम्प्ट करेंगे वहां पर जमीर के ऊपर बट जमीर के ऊपर सेपरेशन बनाती हुई फिलहाल के लिए 2v4b एंड टीम 23 के प्लेयर कैप्टन वहां पर फॉल बैक किया गया है उनके द्वारा रिच का इस्तेमाल किया जाएगा रिवाइवल आई गेस वहां पर दिया जा रहा है समीर वहां पर रेनबो को रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे आरएल गॉड आई गेस ही इज क्लोजिंग इन यस ही इज क्लोजिंग इन टुवर्ड्स चर्सी एंड ये एक बोल्ड मूव हमको देखने को मिलने वाला है आरएल गॉड के द्वारा क्लोज इन आता हुआ उनके द्वारा हमको देखने को मिलेगा बैक एंड एरिया से आईजीएल क्लोज इन कर रहे हैं आईजीएल के ऊपर स्प्रे अटेम्प्ट करना चाहेंगे बट नो फिलहाल के लिए ट्रिगर डिसिप्लिन आई गेस अपनी पोजीशन को यहाँ पर रिवील करने के मूड में लग नहीं रहे हैं आरएल गॉड इमीडिएट व्हीकल का इस्तेमाल करके ही वांट्स टू फॉल बैक यूनाइट करना चाहेंगे अपने टीममेट्स के साथ एंड इनस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग दैट फाइट आरएल ईस्पोर्ट्स दे आर इनटू अ सर्कल सर्कल नंबर 3 की बात की जाए कि नॉर्दर्न आर्चर सर्कल के द्वारा हमको देखने को मिलता है एंड सर्कल की और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग टीम 23 के द्वारा हमको देखने को मिलेगा दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल 2v4b एक अपॉर्चुनिटी उनको भी मिल चुकी है इस फाइट से बाहर हो चुके हैं एंड सर्कल की ओर बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी वहां पर 2v4b के प्लेयर्स को मिल चुकी है सर्कल की ओर बढ़ना चाहेंगे एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स वन शॉट इनटू एक्शन ज़ोई इज नॉक डाउन एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स दे आर बैक इन एक्शन चलेंगे हम एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स की ओर बैक टू बैक फाइट इनिशिएट की जा रही है वन शॉट के द्वारा ओपनिंग क्रिएट की गई थी ज़ोई को नॉक डाउन कर दिया गया था ओ माय गॉड 8 finishes have been secured there by Anatomic Esports and Anatomic Esports are in a commanding position. Circle की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत vehicles के साथ में struggle कर रहे हैं Ridges वहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं Zoe को knockdown कर दिया गया था लेकिन Zoe को वहाँ पर सही समय पर revival दे दिया गया But what on earth? Bot Slayer leading his team from front. He has closed in there on team 14 players. Adroit shot, 1v1 की fight, Bot Slayer. Brutal reflexes by him, लेकिन वहां पर I guess one shot को knockdown कर दिया गया है SNEO with the TDS, Aziz shot को knockdown करना चाहते थे लेकिन Aziz shot you beauty, knockdown करेंगे वहां पर NEO को retaliation आता हुआ, Adroit shot, one shot को finish off करना चाहते थे लेकिन Bot Slayer को knockdown कर गया, Adroit shot you beauty, reload आ गई, Aziz shot के साथ सामना होगा, 1v1 की ये fight बचती है, vehicle को burst करके आगे Aziz shot को pick up किया जा सकता है, बट vehicle को burst किया जाएगा, switch करेंगे AKM के ऊपर, AKM के पे मात्र एक bullet मौजूद थी, लेकिन Adroit shot, पिक ऑफ करेंगे अजीज जॉर्ड को एंड एड्रॉइड जॉर्ड ने यस पिक ऑफ किया अजीज जॉर्ड को एंड एनाटॉमिक ईस्पोर्ट्स अ मॉन्यूमेंटल अपसेट फॉर देम एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी एंड बट बाहर हो चुके इस मैच से 15वें पायदान पे द स्ट्रगल ऑफ एनाटॉमिक ईस्पोर्ट कंटिन्यूज पिछले गेम में भी अर्ली एग्जिट लिया था ऑलमोस्ट 13वें पायदान पर एलिमिनेट हुए थे इस गेम में भी 15वें पायदान पर बाहर कर दिए गए उनके राइवल रिटेलिएशन लेना चाहते बदला लेना चाहते हैं वहां पर एनाटॉमिक उनके राइवल का 2v4
G40 का मानना है एनाटॉमी को मात्र हम ही बाहर कर सकते हैं, और जिन्होंने एनाटॉमी को बाहर किया है हम उन्हें बाहर करेंगे। एनाटॉमी का बदला हम लेंगे। 2B4B दे आर चार्जिंग इट टुवर्ड्स टीम नंबर 14 SNEO के ऊपर। वहां पर IGL शॉर्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अपसर्च ही हैज क्लोज्ड इन, पीछे से वो कवर आ रहा है। कोई भी यहां पर डेस्परेट मूव अपसर्च के द्वारा 2B4B के लिए घातक साबित हो सकता है। पेशेंटली वेट करना होगा यहां पर कवर का। पीछे से कवर आ जरूर से रहा है, वेट करना होगा उस कवर का। कवर का वेट करके यहां पर अपने टीममेट्स की मदद चाहेंगे, बट वेनम ईएमपी को फिनिश ऑफ कर देंगे। चर्सी अपने खाते में और एक फ्रैग यहां पर 2B4B ने कलेक्ट कर लिया। आईजीएल विद सोलो सिक्स फिनिशेस चर्सी विद टू। पांडा और देदर एंड रेनेगेड को पिक ऑफ करेंगे एंड 4GL ई-स्पोर्ट्स दे आर इनटू एक्शन। चलेंगे हम 4GL के प्लेयर्स की ओर। आई गेस पांडा के द्वारा वहां पर ओपनिंग क्रिएट की गई थी। फेज एंड पांडा इज द डुअल सर्वाइविंग सर्कल की एज पर फिलहाल के लिए। कुछ ही देर में चौथा सर्कल, विद इन फ्यू सेकेंड चौथा सर्कल आपको इनिशिएट होता हुआ नजर आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ जितने भी लोग देख रहे हैं। स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेनेगेड नॉक डाउन हुए थे, पत्थर का कवर मौजूद है। 4RBZ को पिक ऑफ कर लिया गया है। आई गेस 4RB स्पोर्ट्स सोल रॉक को भी नॉक डाउन कर दिया गया है। 4RB स्पोर्ट्स दे आर ऑन बैक फुट। दो प्लेयर बचते हैं, फ्लैश एंड मुठर सैद बचते हैं। सैद पुल्स अप दिस ग्रेनेड, अटेम्प्ट्स वन बट आई गेस वोंट बी एबल टू मेक कनेक्शंस। लुनेटिक ई-स्पोर्ट्स और डेमेट्रियो, लुक एट द एचपी ऑफ डेमेट्रियो, आई कैन नॉट इवन सी हिज एचपी। बट समय चलते वहां पर अपनी एचपी रिगेन करेंगे एंड लुनेटिक 2.0 दे आर क्लोजिंग इन, दे आर स्क्वेयरिंग अप देयर ऑन 4RB ई-स्पोर्ट्स। ग्रेनेड, दैट ग्रेनेड वाज राइट ऑन मनी। ओ माय गॉड, दैट ग्रेनेड मेक कनेक्शंस ऑन बोथ द प्लेयर्स। लुनेटिक ई-स्पोर्ट्स दे आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। मयूर, ही विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग। सर्कल उनके ऊपर डैमेज डील कर रहा है। जैसे ही चौथा सर्कल इनिशिएट होगा, चौथा सर्कल हैज बीन इनिशिएटेड, विल बी गोइंग फॉर अ वेस्टर्न आर्ट शिफ्ट। पूरा 2B4B आईजीएल को पिक ऑफ कर लिया गया है। फ्लैश फिनिश करेंगे डेमेट्रियो को विद दैट नीली वेपन। 2B4B चर्सी विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग एंड ही इज हेडिंग टूवर्ड्स टीम नंबर 14। क्या यहां पर चर्सी की बैक क्लियर है? यस बैक क्लियर है। नियो विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग। चर्सी को इस बात का भली भांति अंदाजा है। चर्सी माइट गो फॉर दैट क्लोज इन ऑन एज नियो पुल्स अप अ ग्रेनेड। ये ग्रेनेड निर्णायक होगा। फेस नियो बाफो ऑन द अदर एंड एक फिनिश अपने खाते में वहां पर अर्जित किया गया है। चर्सी इज क्लोजिंग इन, फेस को पिक ऑफ कर लिया गया है। दारोपी लुनेटिक ई-स्पोर्ट्स अगेन अपने खाते में और एक फिनिश एड ऑन किया जाएगा। चर्सी विद दैट ग्रेनेड अटेम्प्टेड मेक्स नो कनेक्शन। एज नियो एड्रॉइड जोड़ को रिवाइवल दे चुके हैं। 1v2 की ये फाइट, ग्रेनेड आता हुआ, चर्सी पे कनेक्शन, 2b4b दे आर एलिमिनेटेड ऑन #13। अ मॉन्यूमेंटल अपसेट फॉर देम एज वेल। मयूर इज ट्राइंग हिज बेस्ट वेड इनसाइड द सर्कल। 4RB स्पोर्ट्स व्हीकल का इस्तेमाल करके सर्कल की ओर बढ़ रहे हैं। IB स्पोर्ट्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सर्कल। आई गेस आर दे और दे आर एलिमिनेटेड। I guess they are inside the circle, but donation flashes, Blasty को वहां पर स्पॉट किया था, लेकिन ज्यादा समय वहां पर व्यतीत करें या नहीं, जल्द से जल्द सर्कल की ओर बढ़ना होगा। सुजैन आसिफ सेज स्लॉट 16, ऑल राइट स्लॉट 16 की ओर जाएंगे। दो प्लेयर्स बचते हैं, रीपर एंड ओल्डर दैन गॉड। नाम काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर, ओल्डर दैन गॉड, ब्रिलियंट। बट क्या यहाँ पे नाम जैसा काम कर सकते हैं? ओल्डर दैन गॉड, आई गेस वही कल फ्यूल आउट हो चुकी है। सर्कल के अंदर ऑन फुट यहाँ पर रोटेशन क्या टीम 16 को एग्जीक्यूट करनी होगी। AW के प्लेयर्स घात लगाए बैठे जरूर से, बट आई गेस पोजीशन के बारे में अंदाजा है नहीं ना। AW इज इन अ गुड पोजीशन इनसाइड द सर्कल। IB की बात की जाए, IB आई गेस अल्ट्रॉन के रूप में वहाँ पर कैजुअलिटी कंज्यूम की गई थी, बट IB स्पोर्ट्स डुअल सर्वाइव करता हुआ स्ट्राइकर एंड फ्लोकी के रूप में। IB स्पोर्ट्स समवेयर दे हैव होप्स टू विन दिस गेम, बट फिलहाल के लिए वहाँ पर दो कैजुअलिटीज कंज्यूम कर ली गई है एंड एक भी फिनिश वहाँ पर IB के प्लेयर्स ने अपने खाते में अर्जित किया है नहीं। पीछे से क्लोज इन करते हुए टीम 14 के प्लेयर्स जो कि वाइप आउट कर चुके हैं एनाटॉमिक ई स्पोर्ट्स को एज वेल एज 2B4B को। दो दिग्गज टीमों को इस मैच से बाहर कर दिया गया एंड मे बी उनका यहाँ पर कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। ओल्डर दैन गॉड को पिक ऑफ कर लिया गया, उनकी टीम इस मैच से बाहर हो चुकी है। टीम 16 पर लग झपकते ही 12वें पायदान पर एलिमिनेट कर दिए गए। जोए इज नॉक्ड डाउन, स्प्रे आया था वहां पर जिसके चलते जोई को पिक ऑफ कर लिया गया, बट जोई को रिवाइवल सही समय पर मिल जाएगा। एंड अगेन थ्री मैन खेलती हुई टीम नंबर 14, थोड़ा बहुत गेम का पेस यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ। बात की जाए 5वें सर्कल की, 5वां सर्कल एक सदन हार्ट शेप लेता हुआ हमको देखने को मिलेगा। LNC ब्लास्टी ही इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्कल। पूरी की पूरी लुनाटिक स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर हमें मौजूद देखने को मिलती है एंड फेवर करता हुआ उन्हें ये सर्कल। लेट्स सी यहाँ पर किस प्रकार से इस फाइट को अपने खाते में डाला जाता है। ब्लास्टी विद दैट M24 8 टाइम्स स्कोप, प्रीटी मच इंप्रेसिव। कितने ज्यादा कारगर वहां पर अपने M249 8 एक्सपोर्ट के साथ में होते, बिकॉज एंड सर्कल में अमूमन प्लेयर्स बोल्ट एक्शन स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए मैं नजर आते नहीं है, बट ब्लास्टी आउट ऑफ द बॉक्स
theory by him, out of the box move by him, out of the box strategy by him. इस्तेमाल करते हुए 8 टाइम स्कोप एज वेल एज M249 का क्लोज नहीं बट लॉन्ग रेंज में एंड सेकेंडरी वेपन वहाँ पर M416 के रूप में मौजूद है जो कि एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाता है. क्लोज रेंज में इस्तेमाल करेंगे M416 का एज वेल एज मिड रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में M249 काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेगी. बट 4RB स्पोर्ट्स सर्कल के एज पर आ चुके हैं, सर्कल की ओर बढ़ना है बट सर्कल के अंदर बढ़ने से पहले नंगा गैंग के ऊपर स्प्ले ड्रिल किया जाएगा बिकॉज बैक को यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं नॉट नंगा गैंग बट जीरा की टीम के ऊपर वापस प्ले डील किया जाएगा. जीरा डज नॉट डाउन, ओ माय गॉड, ट्रायआउट्स की टीम, जीरा की टीम, दे आर ऑन बैक फुट. एम गॉड विल बी कमिंग इनटू एक्शन. ट्रायआउट्स वहां पर बेयर एचपी पे सर्वाइव कर रहे हैं. हीलिंग को वहां पर प्रायोरिटाइज किया जाएगा, प्राधान्य दिया जाएगा वहां पर, हीलिंग को हील किया जाएगा एंड देन टीम 17 विल बी कमिंग बैक इनटू एक्शन. बट अभी तक क्या वहां पर रिवाइवल दिया गया है जीरा को? आई गेस यस, रिवाइवल की क्रिया पर इनिशिएट हो चुकी है. सर्कल के अंदर बढ़ना है पर टीम 17 के नजरिए से काफी ज्यादा जरूरी है. एम बॉट समझ चुके एंड सर्कल की ओर बढ़ रहे बट फेस्नियो ई-स्पोर्ट्स कैन दे गो फॉर दैट विनर विनर चिकन डिनर इन दिस गेम बिकॉज दे आर इन अ ब्रिलियंट पोजिशन राइट नाउ. 3 मैन अलाइव है, दो प्लेयर्स, दो वहां पर फिनिशेस अपने खाते में अर्जित कर लिए गए, मात्र एक कैजुअलिटी कंज्यूम की है एंड फेस्नियो ई-स्पोर्ट्स दे माइट मैनेज टू सिक्योर अ विनर विनर चिकन डिनर. बदार ओपी ऑन द अदर एंड पिक्स ऑफ AW मुतीव, LNC ई-स्पोर्ट्स दे आर इनटू एक्शन. AW मुतीव को फिनिश भी कर दिया गया है. LNC ई-स्पोर्ट्स they are in a good position. इतने सारे LNC sports, all right, LNC sports के पास at last हम पहुंच गए. M249 के साथ में Blasty will try a shot, won't try a shot. Grenades attempt किए जाएंगे team 23 के players के ऊपर and जैसे ही वहां पर कनेक्शन बनेगा straight away they will go for Aslam but try outs को knockdown कर दिया गया है and Zira की team struggle करते हुए नजर आने वाले. Similarly Gio will be the last man surviving. Picks of team 11 last player and team 11 there. Oh my god! पीछे से बाफा वहां पर उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे. Team 14 they are eliminated on #17 position. Mayur patiently wait कर रहे हैं, उनके सामने पूरी की पूरी lunatic मौजूद है. बाफा के ऊपर connection बनाया. Blasty wants to knock him down but Rich वहां पर separation बनाती हुई Blasty and बाफा के बीच. फेस्नियो ई-स्पोर्ट्स अपने खाते में तीसरा फ्रैग कलेक्ट कर लिया गया बट फेस्नियो ई-स्पोर्ट्स राइट नाउ आई गेस दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सर्कल. सर्कल की ओर बढ़ना है, छठा सर्कल इनिशिएट हो तो आपको देखने को मिलेगा. वी विल गो फॉर अ वेस्टर्न आर्ट शिफ्ट एंड सर्कल की ओर जल्द से जल्द फेस्नियो एज वेल एज लूनेटिक ई-स्पोर्ट्स बढ़ना चाहेंगे. टीम नंबर 23 वापस ट्रेडी किया जा रहा है टीम फेस्नियो के ऊपर. सर्कल के बाद पनिश किया जा रहा है उनके ऊपर. मैक्सिमम टीम्स अपना ध्यान केंद्रित करती हुई AOT ई-स्पोर्ट्स राइट नाउ they are in a really very good position because the circle can only four man strong. Madre is falling to na nikalo but flash will be downs. IB striker, IB sports, they are about to get eliminated as Floki will be the last man surviving. Revival dena hoga. Piche se FSNU ke players B wap IB ke players ke upar pressure banana chahenge. Angles मौजूद है, Molotov आ चुकी है, Molotov connection बना चुकी है Floki के ऊपर, Striker को finish कर दिया है, पीछे से AOT Captain makes connection, eliminate कर दिया है, Blasty को knock किया है, finish भी कर दिया जाएगा, Mayur you beauty, first aid मौजूद है नहीं, Rich का सहारा लेंगे, खुद को isolate करेंगे, शायद open से push in कर रहे, शायद को open knockdown किया जा सकता था, but Mayur won't attempt that play, down किया जाएगा, शायद को finish करके इस मैच से बाहर जाना चाहेंगे, कर देंगे, brilliant work by Mayur, अपने साथ दो players को lobby लेकर जाएंगे. Fesnio Esports trying their best to move inside the circle successfully will. Lunatic Esports, Daropi will be the last man surviving. Circle ke chalte pick off kar liya gaya. Oh my goodness. Lunatic Esports out of nowhere. They are eliminated on #4. Sayed, Team 18 se. Soul Rock survive karenge. Duel, Bafa ko down kiya hai. Rainbow and Soul Rock kisi aur ki mehnat ka phal todenge wahan par. Fesnio Esports Magician is the last man surviving. Four man strong. 4v2v1 ki hai fight basti hai. Four man strong. Team 23. They are not present inside the circle. Fortune supports the brave. बट फिलहाल के लिए यहाँ पर इस गेम में कोई भी ब्रेव है नहीं. फेवर सर्कल किसी भी टीम को कर रहा है नहीं. रेनबो को नॉकडाउन कर जरूर से दिया है. रेनबो को क्या वहां पर फिनिश किया जा सकता है? रिवाइवल इमीडिएट वहां पर रेनबो को देना होगा एंड आई गेस सक्सेसफुली वहां पर रेनबो को रिवाइवल दिया जाएगा. अगेन फोर मैन खेलती हुई टीम नंबर 23 दे आर इन अ रियली वेरी वेरी गुड पोजिशन. दे माइट गो फॉर दैट विनर विनर चिकन डिनर. मैजिशियन, सोल रॉक एंड सैयद के रूप में वहां पर उनके सामने चुनौती मौजूद है. किस प्रकार से इस चुनौती का सामना करेंगे टीम 23 के प्लेयर्स? ग्रेनेड्स, स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड स्मोक पाथवेज बना के सर्कल की ओर बढ़ा जाएगा. बट मैजिशियन, सोल रॉक एंड सैयद एट द सेम टाइम दोनों भी टीम्स अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे टीम 23 के प्लेयर्स के ऊपर. रज़ामीर इज नॉकडाउन.
गलत समय पर वहां पर नॉक कंज्यूम कर लिया गया है। सोल रॉक यू ब्यूटी, सोल रॉक विद दैट ओपनिंग क्रिएटेड काम आसान कर रहे हैं यहां पर खुद का एज वेल एज ऑफ एसपीओ स्पोर्ट्स का। सर्कल की ओर बढ़ती हुई व्हीकल का इस्तेमाल करके कवर आ रहा है, अरे गॉड सैयद को नॉकडाउन कर दिया गया, ब्रिलियंट वर्क बाय हिम। सीधा स्लैम में जाएगा वहां पर सोल रॉक के ऊपर, सोल रॉक आई गेस ही इज नॉट प्रेजेंट एट द सर्कल। रिवाइवल देना चाहेंगे वहां पर सैयद को, आई गेस कैप्टन हैज दोस ग्रेनेड्स। क्या वहां पर कनेक्शन बनाएंगे, क्या वहां पर अटेम्प्ट करेंगे शॉट को, एंड यहां पर बाहर किया जा सकता है 4RB स्पोर्ट्स को। बैक एंड एरियाज पर चुपचाप महफूज मौजूद, मैजिशियन चुपचाप सर्कल की ओर जाना चाहेंगे, कैप्टन स्पॉट करेंगे, पनिश करेंगे, गलत समय पर गलत जगह प्रोन कर गए। सोल रॉक इज इन अ पोजिशन ऑफ 1v4 जोन, वहां पर पनिश करता हुआ रेनबो मैक्स कनेक्शन, टीम 23 विद दैट विनर विनर चिकन डिनर। 4RB दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद हैशटैग 2 RL Esports with a total amount of 5 finishes, they managed to secure a winner-winner chicken dinner in this Miramar game. Hashtag 2 par eliminate kar diya jayega 4RB Esports ko with a total amount of 8 finishes. And Fesnio, they are eliminated on hashtag 3 with a total amount of 6 finishes. Lunatic Esports, chauthe paydan par eliminate kar diye jayenge with a total amount of 6 finishes. Lunatic Esports 2.0, 5 paydan par eliminate honge with a total amount of 3 finishes. IB Esports छठे पायदान पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, जीरो फिनिशेस वहां पर निकाले गए IB Esports के द्वारा। टीम 14 दे आर एलिमिनेटेड ऑन हैशटैग 7th पोजिशन, एंड अपने खाते में 6 फिनिशेस अर्जित कर लिए गए हैं वहां पर। वेनम EMP की टीम 8वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे एंड 1 फिनिशेस के साथ मात्र इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। AW Esports विद द टोटल अमाउंट ऑफ 4 फिनिशेस दे आर एलिमिनेटेड ऑन हैशटैग 9। JCB जोकी की टीम 0 फिनिशेस के साथ में 10वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। Zerk की टीम विद द टोटल अमाउंट ऑफ 6 फिनिशेस 11वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। Renegade की टीम 0 फिनिशेस के साथ 12वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। 2v4v 8 फिनिशेस के साथ 13वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। 4GL Esports एक फिनिश के साथ 14वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। 2B4B विद 8 फिनिशेस, आई सेड नॉट एक फिनिश बट 8 फिनिशेस के साथ वहां पर 13वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। एनाटॉमिक Esports 8 फिनिशेस के साथ 15वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे। फाइट क्लब 16वें पायदान पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे विद द टोटल अमाउंट ऑफ 2 फिनिशेस ओनली। मैक्स वाईटी की टीम 17वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे 4 फिनिशेस के साथ। किलर 96 की टीम 0 फिनिशेस के साथ 18वें पायदान पर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। एंड फरहाद की टीम विद द टोटल अमाउंट ऑफ 3 फिनिशेस दे आर एलिमिनेटेड ऑन हैशटैग 19। एंड क्लैश रोलिन की टीम विद द टोटल अमाउंट ऑफ 0 फिनिशेस दे आर एलिमिनेटेड ऑन हैशटैग 20। अर्ली एग्जिट इस गेम से लेते हुए नजर आएंगे, इंप्रूवमेंट की सख्त जरूरत नेक्स्ट गेम में इस टीम के ऊपर जरूर से नजरें होगी हमारी। फिलहाल के लिए हमारा मिरामार का मैच यहीं पर समाप्त होता है, हमारे तीसरे मैच के साथ लौटेंगे जरूर। तब तक के लिए स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
Alright guys, our one last battle is yet to fought. Our one last battle is yet to be fought. And हमारा last battle इरांगल की रणभूमि से निकल कर आता है. Again, इरांगल की इस रणभूमि में हम आगमन करेंगे. And let's see यहाँ पर इरांगल के गेम से कौन सी टीम हमारे लिए विनर विनर चिकन डिनर निकालने में सक्षम रहती है. कौन सी टीम यहाँ पर अपने लिए विनर विनर चिकन डिनर निकालती है एंड कुछ बहुमूल्य अंक अपने खाते में अर्जित करती है. टू गेन दैट हैशटैग वन इन दैट पॉइंट स्टेबल. काफ़ी सारी टीम्स इस रेस में लगी हुई है. क्लाउड नाइन ई स्पोर्ट्स एज वेल एज 2B4B एनाटॉमिक ई स्पोर्ट्स काफ़ी सारी दिग्गज टीम है यहाँ पर आपको खेलती हुई नजर आएगी. एंड ये आखिरी गेम आज के दिन का रैंगल के गेम से निकल कर आता है. लेट्स सी विच टीम कम्स अप विद अ विनर विनर चिकन डिनर फ्रॉम दिस एवरग्रीन रैंगल गेम. कोई भी टीम का कोई भी प्लेयर यहाँ पर कॉन्फिडेंस में एज वेल एज एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी लैक करता हुआ हमको देखने को मिलने वाला नहीं है. बिकॉज ऑलराइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. फ्लाइंग पथ हमारा आ चुका है एंड वी विल टेक अ लुक एट दिस एक्सक्लूसिव फ्लाइंग पथ जो कि इनिशिएट होता हुआ नोवर एप्नोए के वेस्टर्न रीजन से एंड टुवर्ड्स शूटिंग रेंज. ये फ्लाइंग पथ आपको समाप्त होता हुआ नजर आने वाला है. अगर टीम्स के नजरिए से इस फ्लाइंग पथ को देखा जाए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल फ्लाइंग पथ बिकॉज इस फ्लाइंग पाथ को मद्देनजर रखते हुए मैक्सिमम ड्रॉप लोकेशंस को टीम्स एक्सेस करने में सक्षम रहेगी. स्पेसिफिकली फेवर करता हुआ द सेंट्रल रीजन ऑफ इरांगल मैप इनिशिएट होता हुआ ये फ्लाइंग पाथ फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न रीजन एंड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न रीजन. ये फ्लाइंग पाथ आपको फिनिश ऑफ होता हुआ नजर आने वाला है. एंड टीम्स ग्रेजुअली अपने ड्रॉप लोकेशंस को एक्सेस करेगी. सेंट्रल इरांगल पर टीम्स का दबदबा हमको देखने को मिलने वाला है. बट थोड़ा सा टफ जॉब होगा टीम्स के लिए टू एक्सेस यसनाया पोलियाना कामेश्की एज वेल एज लिपोवका रीजन्स. नंगा गैंग किस प्रकार से वहाँ पर ग्लाइड करेंगे टू एक्सेस यसनाया पोलियाना रीजन्स, ये एक सवाल होगा. एंड सिमिलरली जॉर्जोपुल गटका एज वेल एज क्वेरी प्रिमोस के रीजन्स को भी एक्सेस करना थोड़ा बहुत एक डिफिकल्ट जॉब होने वाला है टीम्स के लिए. बट वी कैन नॉट सी एनी टीम गोइंग टुवर्ड्स सॉसनोवा का मिलिट्री बेस. एक समय के लिए लगा कि सॉसनोवा का मिलिट्री बेस की ओर हमें टीम्स जाती हुई नजर है. बट आई एम अ बिट सरप्राइज बिकॉज अमूमन सॉसनोवा का मिलिट्री बेस आइलैंड का ड्रॉप लोकेशन हमें इक्विप्ड ऑक्यूपाइड देखने को मिलता है. बट इस बार वेकेंट देखने को मिल रहा है. कोई भी टीम वहाँ पर सॉसनोवा का मिलिट्री बेस आइलैंड की ओर फिलहाल के लिए हमें बढ़ती हुई नजर आएगी नहीं. वेट अ सेकेंड गाइस. ऑलराइट, स्ट्रीम इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट. एंड फटाफट से गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिल्टा की ओर हम बढ़ेंगे. मिल्टा में INR Esports हमें मौजूद देखने को मिलती है एंड INR Esports का सामना टीम 21 के साथ होता हुआ हमें नजर आएगा. बट गॉड दैट ओपनिंग हैज बीन क्रिएटेड. गॉड नॉक्स डाउन गॉड, गॉड और गॉड की फाइट. नंगा गैंग स्टार्डम वहाँ पर व्हीकल क्रश के चलते एक फ्रैग अपने खाते में निकाला गया है. क्या वहाँ पर फ्रैग कलेक्ट करने में सक्षम रहेंगे स्टार्डम? उसके ऊपर स्प्रे आता हुआ बेयर HP में सर्वाइव करेंगे. व्हीकल इनिशियल स्टेजेस में स्मोक्ड आउट हो चुकी है. बट इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग दैट फाइट स्टार्डम वो फ्रैग कलेक्ट करने की ग्रीड उनके अंदर हमको देखने को मिलेगी नहीं. बट गलती कर गए वापस स्टार्डम. व्हीकल वहाँ पर ठोक दी थी एंड उसके चलते अपनी HP लूज कर गए. एंड HP लूज करने के कारणवश और थोड़ा बहुत पैनिक कर गए. बट सक्सेसफुली वहाँ पर बगी की प्राप्ति होगी. बगी का इस्तेमाल किया जाएगा यानी यसनाया पोलियाना के रीजन में दाखिल होंगे. बट सर्कल सर्कल यहाँ पर एक ड्रामेटिक शिफ्ट लेता हुआ रोलेक्स ऑन द अदर एंड 4GL फेस को नॉक किया जाएगा. 4GL Esports इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस गेम दे आर स्ट्रगलिंग. क्लच गॉड इज नॉक डाउन एज वेल. पांडा एंड JD विल बी द डुअल सर्वाइविंग. पैराबॉय ऑन द अदर एंड गोकू ओजी को पिक ऑफ किया JD विद द ओपनिंग क्रिएटर. योरिची इज नॉक डाउन. रिवेंज एज वेल एज रिटेलिएशन आता हुआ 4GL के प्लेयर्स के द्वारा हमको देखने को मिलने वाला है. 4GL Esports फैंस 4GL के जरूर से वेट कर रहे होंगे परफॉर्मेंस के लिए. एंड 4GL Esports अपने फैंस को बिल्कुल भी यहाँ पर निराश नहीं करवाना चाहेंगे. फेज एंड क्लच गॉड को रिवाइवल दिया जाएगा. मिल्टा की ओर हम चलेंगे बिकॉज मिल्टा में वो घमासान युद्ध शुरू हो चुका है. ब्रेकर को फिनिश ऑफ कर दिया गया है. फेज एंड सैप्रो की पर क्लोजिंग करते हुए सैप्रो. ओ माय गॉड, ही हैड द टीडीएस ग्रेट कनेक्शन विद द टीडीएस. फ्री फायर आता हुआ सैप्रो को डाउन किया जाएगा. पैसान बेयर HP में सर्वाइव करेंगे. हीलिंग मौजूद है. फर्स्ट एड को जल्द से जल्द पॉप इन करना होगा बिकॉज उस्मान जॉर्ड ही इज क्लोजिंग इन. पीठ दिखा दी, गलती कर दी. पिक ऑफ कर लिया जाएगा. उस्मान जॉर्ड picks off the last player that was Fezzan and team 21 they are eliminated on hashtag 20th position. INR Esports survive. Paraboy and Sapro dono bhi players ko revival diya jayega and INR will be back into action again. Four man perform karti hui INR Esports fir se हमको देखने को मिलने वाले हैं. एंड INR Esports सक्सेसफुली अपने खाते में चार अर्ली फिनिशर्स निकाल लिए गए एंड मिल्टा के ड्रॉप लोकेशन को कॉन्कर भी कर लिया. बट चोक प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया गया 4GL Esports विद रिटेलिएशन. फेस को क्या वहां पर रिवाइवल दिया है? जी नहीं, फेस ब्लीड आउट हो चुके हैं. चोक प्लेयर इज नॉकडाउन.
टीम 24 दे हैव कंज्यूम्ड अ नॉक, थ्री मैन खेलते हुए नजर आएंगे फिलहाल के लिए. आगे से योरीची क्लोजिंग करना चाहते हैं. ट्राई आउट ऑन द रन पिक्स ऑफ अनुराग. 4GL Esports इस फाइट को अपने खाते में जरूर से डालना चाहेंगे एंड कॉन्कर करना चाहेंगे पोचिंग के रीजन को, बिकॉज पिछले गेम में मेरा मार्का गेम कुछ खासा 4GL के लिए निकला नहीं. ये रूम फ्री फॉर ऑल है क्या? LNC साइको इज फ्री फॉर ऑल नहीं है. हेलो ब्रो, भाई पूरी स्ट्रीम नहीं दिख रही पुरानी. ब्रो वो इसलिए बिकॉज स्ट्रीम रिफ्रेश करनी होती है, जब ये मैच खत्म हो जाएगा एंड स्ट्रीम सेव हो जाएगी पुरानी स्ट्रीम आपको दिखने लग जाएगी. अभी नहीं दिखेगी बिकॉज स्ट्रीम रिफ्रेश करनी होती है ताकि विदाउट लैग विदाउट नेटवर्क इश्यूज स्ट्रीम पूरी चले, एंड वो रिफ्रेश करने की वजह से पुरानी स्ट्रीम आपको दिख नहीं रही. बट एक्सेसरीज ऑन टॉप ऑन द अदर एंड क्लैश रोलन को नॉक डाउन कर दिया गया क्लच गॉड के ऊपर. क्लोज इन करते हुए टीम 24 के प्लेयर्स दूसरे कोने में पोचिंग की के एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फाइट. 4GL Esports डाउन 2-1 मैन हो चुकी है एंड रिवाइवल सभी प्लेयर्स को दिया जाएगा. पेन ऑन टॉप ऑन द अदर एंड सबा कुन होगा को फिनिश कर दिया गया है विद दैट UMP 45 एंड टीम नंबर 11 सक्सेसफुली अपने खाते में चार अर्ली फिनिशेस निकाल लिए गए हैं. कॉन्कर कर लिया गया नोवो रेप नोए को. सर्कल भी उन्हें फेवर कर रहा है. रोटेशन वोंट बी अ क्वेश्चन फॉर देम बट लुक एट लॉक्स पोजीशन. सदन एज पर मौजूद सोलो प्लेयर कोई भी इन्हें दिक्कत देने के लिए इनके आस पास मौजूद नहीं है. हेलो ब्रो इज सेइंग बोलो. भाई बोला मैंने, बताया ना एक्चुअल में स्ट्रीम रिफ्रेश करनी होती है एंड स्ट्रीम रिफ्रेश करने के वजह से पुरानी स्ट्रीम नहीं दिखेगी आपको, अपलोड होने के बाद दिख जाएगी. चलेंगे हम टीम 24 के प्लेयर्स के पास. टीम 24 दे आर स्ट्रेट अवे हेडिंग टुवर्ड्स जेडी. आई गेस उनके पोजीशन के बारे में अंदाजा था बट जेडी समय चलते वहां पर फॉल बैक उनके द्वारा हमको देखने को मिलेगा. ही हैज फॉलन बैक एंड व्हीकल्स कलेक्ट करके मे बी अपने टीम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट्स बटोरे जाने वाले हैं वहां पर. PHGSO डिमेट्रियो इज सेइंग व्हाट इज दिस. ऑलराइट स्ट्रीम इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट. फहद लॉस बॉय को पिक ऑफ करेंगे. INR Esports INR Esports they are struggling. Team number 10 they are going for that slamming या फिर वेट किया जाएगा. डाउन टू थ्री मैन होते हुए टीम नंबर 8 एक सिली कैजुअलिटी वहां पर कंज्यूम कर ली गई है लॉस्ट बॉय के रूप में, एंड ये कैजुअलिटी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर रहे थे यहाँ पर बिकॉज लॉस्ट बॉय एक बहुत काफी ज्यादा क्रूशियल प्लेयर है. अनुराग ऑन द अदर एंड ट्राई उसको फिनिश करेंगे. TTH अजय को भी नॉकडाउन किया. लालू केम अप विद दैट DBS शॉट कनेक्शन. TTH Esports they are also initiating fight in the initial stages of this game. Struggle करेंगे. Zirak को भी पिक ऑफ कर लिया गया है. Tryouts की टीम इस गेम से ऑलमोस्ट बाहर होते हुए नजर. लालू विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग. ही हैज अ DPS डबल बिग सिटी से फाइट निकल के आते हुए उन्हें चेस किया जा रहा है. उनके बैक पर शॉट्स डील किए जा रहे हैं. लालू विद दैट DBS बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, लेकिन रोमियो विद दैट कनेक्शन मेड लालू को पिक ऑफ कर लिया गया एंड जीरा की टीम इस मैच से 17वें पायदान पर एलिमिनेट होती हुई नजर आने वाली है. टीम नंबर 3 अपने खाते में चार अर्ली फिनिशेस उनके द्वारा बटोर लिए गए हैं. ब्रिलियंट जॉब बाय देम. कॉन्कर करेंगे जॉर्जोपल बिग सिटी के रीजन को, लेकिन सर्कल की ओर बढ़ना होगा. कोई भी टीम फिलहाल के लिए हमें ब्रिज कैंप करती हुई नजर आई नहीं है ना. ब्रिज कैंप इज नॉट अ बिग डील फॉर टीम्स. अमूमन टीम्स हमें ब्रिज कैंप करती हुई नजर आती है, बट इस बारी फिलहाल के लिए कोई भी ब्रिज के ऊपर टीम हमें मौजूद देखने को मिल नहीं रही है. एंड आई एम अ बिट सरप्राइज विद द स्ट्रैटेजीज दैट आर टीम्स प्लेइंग विद. EOC कोड थोड़ी बहुत उनकी व्हीकल स्ट्रगल कर रही है, पलट भी गई है व्हीकल एंड खो चुके अपने व्हीकल को. टीममेट्स से लिफ्ट मांगेंगे. सर्कल के अंदर रोटेशन जारी रहेगी EOC के प्लेयर्स की. व्हीकल एक खो चुके हैं. व्हीकल यहाँ पर अपने खाते में और एक ढूंढनी होगी EOC के प्लेयर्स को. टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है यहाँ पर. जितनी ज़्यादा जल्दी आप रोटेशन एग्जीक्यूट करोगे, जितने ज़्यादा जल्दी आप जोन के अंदर आगमन करोगे एंड जोन के अंदर एक अच्छी पोजिशन अपने लिए ढूंढोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. एंड EOC के प्लेयर्स देरी कर रहे हैं, शुभ काम में देरी कर रहे हैं वहाँ पर. एंड एज अ रिजल्ट वो जिस जगह को चाहते हैं अपने खाते में सुनिश्चित करने के लिए, जिस जगह पर वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, कहीं उस जगह पे कोई दूसरी टीम आगमन ना कर ले. फिलहाल चेकआउट करेंगे एयर ड्रॉप नंबर 1 जो कि वाटर एरियाज को एक्सेस करेगा फिलहाल के लिए. द डेविल्स फेवरेट MG3 विद लेवल 3 हेलमेट वेस्ट सप्लेसर AR का लेवल 3 का बैकपैक एंड 7.62
कि 100 बुलेट उस एयरड्रॉप के अंदर हमें मौजूद देखने को मिलती है। नंगा गैंग ई स्पोर्ट्स दे हैव रीच्ड सोसनोवा का मिलिट्री बेस आइलैंड। चोक प्लेयर एक ओपनिंग उनके द्वारा क्रिएट की गई थी, फेक साइफर को फिनिश कर दिया गया एंड चोक प्लेयर अ ब्रिलियंट जॉब बाय हिम अपने खाते में आगे पहला फ्रैग वापस चोक प्लेयर कलेक्ट करते हुए हमको देखने को मिलने वाले है। एंड फेक साइफर टीम फाइव के प्लेयर थे, फेक ई स्पोर्ट्स दे हैव कंज्यूम्ड अ कैजुअल्टी बट दे हैव सक्सेसफुली रीच्ड देयर कंपाउंड। हार्ट कवर की प्राप्ति हो चुकी है, सक्सेसफुली वापर ब्रिज को भी क्रॉस कर लिया बट अपने एक प्लेयर को वापर खो चुके हैं। जरूर से पछतावा हुआ होगा, एक असली कैजुअलिटी वापर कंज्यूम कर ली गई बट और कोई चारा उनके पास था नहीं एंड दे हैव सक्सेसफुली मेड इट टू द हार्ड कवर। बैक एंड एरियाज पर आई गेस ब्रिज के ऊपर से आती हुई हमें टीम्स देखने को मिल सकती है बट एक सवाल होगा कौन सी टीम वापर ब्रिज का इस्तेमाल करके जोन की ओर बढ़ेगी। क्लाउड नाइन स्पोर्ट्स ब्रिज का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेस आइलैंड की ओर बढ़ना चाहेंगे। फिलहाल के लिए हमें जोन गेट कीप करते हुए कोई भी टीम देखने को मिली नहीं है, कोई भी टीम ब्रिज कैंप करती हुई देखने को मिली नहीं है। क्लाउड नाइन स्पोर्ट्स एक इजी रोटेशन उनके लिए निकल कर आती हुई बट इफ यू टॉक अबाउट टीम 24 दे आर प्रेजेंट एट द एज ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के ओपनिंग पे टीम नंबर 24 के प्लेयर्स हमें मौजूद देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, क्या वहां पर ब्रिज कैंप करने की रणनीति यहाँ पर टीम 24 के प्लेयर्स अपनाएंगे या फिर सर्कल के अंदर रोटेशन दी जाएगी एंड एक अर्ली रोटेशन सर्कल के सेंटर तक क्या वहाँ पर आपको टीम 24 के प्लेयर्स के द्वारा देखने को मिल सकती है। राइट नाउ जोन के एज पर ब्रिज के मुख्य द्वार पर मौजूद हमें देखने को मिलते हैं टीम 24 आईडी स्पोर्ट्स। आई गेस वाटर एरियाज का इस्तेमाल करके सर्कल की ओर बढ़ना चाहेंगे बट इफ यू टॉक अबाउट सेकंड सर्कल सेंट्रलाइज शिफ्ट सर्कल के द्वारा हमको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से फेवर करता हुआ सोसनोवा का मिलिट्री बेस आइलैंड को एंड पूरी तरीके से सोसनोवा का मिलिट्री बेस आइलैंड ऑलमोस्ट 99% एरिया वहाँ पर सोसनोवा का मिलिट्री बेस आइलैंड का सर्कल के अंदर हमें मौजूद देखने को मिलता है। लॉक ही इज लकी इनफ बट उनके सामने वाटर एरियाज को एक्सेस कर दिया गया है। लॉक अ ब्रिलियंट वर्क बाय हिम, काफी ज्यादा पैसिव खेल रहे हैं एंड उनके ठीक सामने नंगा गैंग ईस्पोर्ट्स मौजूद। लॉक एक ऑफ गार्ड एंगल पर वहां पर होल्ड किया जा रहा है बट अभी इज नॉक डाउन। क्लाउड नाइन ईस्पोर्ट्स दे आर इन टू अ फाइट एंड दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ऑन बैकफुट। सरवार प्लेस की एचपी काफी ज्यादा लो एंड सिमिलरली शुभम की एचपी लो, हम देखेंगे शुभम को फिनिश कर दिया गया है। सरवार प्लेस विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग, अभी को रिवाइवल देना चाहिए। यूजर विद द ट्रिको ग्रेनेड वांटेड टू मेक कनेक्शन बट ही वाज नॉट एबल टू, डाउन कर दिया गया यूजर को। सरवार प्लेस ब्रिलियंट वर्क बाय हिम, यूजर को फिनिश भी कर दिया जाएगा एंड सिमिलरली वहां पर अभी को भी रिवाइवल देने में सक्षम रहेंगे। क्या वहां पर क्लोज इन हमको टीम 6 के प्लेयर्स के द्वारा आता हुआ नजर आएगा बट नो आई गेस रशा रिस्पोर्ट्स अहमद विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग, उनके ऊपर स्लैम इन आ चुका है। टीम 24 मैन फॉर द स्लैम इन स्ट्रेट अवे ऑन अहमद। अहमद बैक एंड एरिया पर लैग जरूर कर रहे हैं। M249 विद 4X रोलेक्स के ऊपर कनेक्शन भी बनाया, नॉक, ओ माय गॉड, सरवार नॉक करेंगे रोलेक्स को। एक समय के लिए लगा अहमद वापस नॉक कर चुके रोलेक्स को बट नो, अहमद के पास DBS मौजूद। चोक प्लेयर थोड़े बहुत सैम से गए होंगे बिकॉज DBS इन क्लोज रेंज इज अ ओवर पावर्ड गन, भले ही नर्फ क्यों ना कर दिया गया हो DBS को बट स्टिल इट इज अ गेम चेंजिंग वेपन। अहमद डाउन करेंगे, चोक प्लेयर को फिनिश भी कर दिया गया है। एक इजी 1v1 निकल कर आता हुआ अहमद के लिए, 50 HP में वापस टेक डाउन किया। पीछे से सर्वर प्लेस का वो स्प्रे आया, कनेक्शन बनाया, जी नहीं अभी ओपी विद दैट स्प्रे। क्लाउड एंड स्पोर्ट्स एलिमिनेटर चली स्पोर्ट्स ऑन #16 बट पुरान इज नॉट डाउन। सर्वर प्लेस डील करेंगे टीम 24 के प्लेयर्स के साथ विद दैट ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट, पुरान इज नॉट डाउन। गैस के लिए किया जाएगा रोलेक्स के ऊपर, मे बी व्हीकल का इस्तेमाल करके सर्वर प्लेस क्लोज इन भी करते हुए नजर आए। रणनीति अपनाते हुए क्लाउड नाइन स्पोर्ट्स हमें नजर आती है। क्लाउड नाइन स्पोर्ट्स पिछले रैंगल के गेम में 19 फिनिशेस के साथ में ऑलरेडी एक विनर चिकन डिनर निकाल चुके हैं। कॉन्फिडेंस टीम पर होगा इस गेम में। योरिची के ऊपर वापस स्मोक के अंदर स्प्रे अटेम्प्ट करने की कोशिश थी बट वो टीम के दोस्त कनेक्शन ब्लाइंड स्प्रेज वहां पर सर्वर प्लेज अटेम्प्ट करे बट अभी वर्ड ऑन अर्थ, अभी वेंट फॉर दैट क्लोजेड। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इन हिज माइंड इज ही डूइंग, अभी दैट वाज अ रिस्की मूव। C9 Esports, Cloud9 Esports इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर हो जाते अगर अभी ओपी को वहां पर टेकडाउन किया जाता बट रोलेक्स ही इज क्लोजिंग इन। अभी ओपी, ओह माय गॉड, नॉकडाउन बुरान, नॉकडाउन योरुची, रोलेक्स को भी पिकअप कर लिया है। अभी ओपी यू हीरो, अभी ओपी यू ब्यूटी, Cloud9 Esports वाइप्स आउट टीम नंबर 24 अभी ओपी विद दैट 1v3 आउट ऑफ नोवेयर। एक 2v3 फाइट अपने खाते में डील की है, वो ग्रेनेड, वेल प्रिसाइज ग्रेनेड सही ठिकाने पर गिरा। DBS ने रिमेनिंग जॉब डन किया वहां पर एंड अभी द हीरो Cloud9 स्पोर्ट्स। बात की जाए एयरड्रॉप नंबर 2 की जो कि आगमन करता हुआ मिलिट्री बेस मैन आइलैंड की ओर सी बिल्डिंग्स के नजदीक लग्जरी वेपन ऑग विद लेवल 3 गियर्स पेन किलर 8 टाइम्स का स्कोप एंड 5.56 बहुमूल्य 60 बुलेट्स इस एयर ड्रॉप के अंदर हमें मौजूद देखने को मिलती है। बट इफ यू टॉक अबाउट टीम नंबर 5 फर्स्ट विल टॉक अबाउट
talk about INR esports because Paraboy knocked down ho chuke. Nokia knocked down hue. Renegade with that retaliation. Renegade with that payback. Immediate counter aata hua nazar aane wala hai and थोड़े बहुत एंगल्स क्रिएट करते हुए सैप्रो नजर आएंगे बट फिनिश कर दिया गया पैराबॉय को भी डाउन टू मैनेज हो गया आईएनआर ईस्पोर्ट्स दे आर स्ट्रगलिंग इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस गेम अभी भी काफी ज्यादा लंबा सफर यहां पर बचता है बिकॉज़ 14 टीम्स एंड 43 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव एंड अभी तो सिर्फ स्टेज 2 है स्टेज और 6 स्टेजेस आने बचे हैं यहां पर आईएनआर ईस्पोर्ट्स काफी ज्यादा अर्ली स्टेजेस में यहां पर पिछड़ते नजर आएंगे बैक फुट पे निकल दिया गया पैराबॉय की क्रिएट लूटेंगे सैप्रो एक कोट है मरने के बाद अपने ही लूट जाते हैं वही वहां पर हुआ लूटे के बाद पैराबॉय को लूटेंगे बट रेनेगेड नॉक्स डाउन लोकी लोकी के रूप में वहां पर टीम 20 एक नॉक कंज्यूम करेगी टीम 16 विल दे गो फॉर दैट क्लोजिंग यस दे आर गोइंग फॉर दैट क्लोजिंग अबूमन वहां पर अपनाते हुए नजर आते हैं रेनेगेड ने डाउट किया शैडो को भी वाओ ब्रेन एंटर बाय रेनेगेड ड्यूअल ओपनिंग हैज बीन क्रिएटेड टीम 16 वोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी टीम 16 वोंट लीव दिस चांस क्लोजिंग किया जा रहा है टाइसन के द्वारा लेकिन पीछे से वो स्प्रे आया आईएनआर के प्लेयर्स के द्वारा जिसके चलते उस प्लान को अबॉर्ट किया इमीडिएट यू टर्न लिया टाइसन ने एंड वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है रिवाइवल दे चुके हैं सभी प्लेयर्स को संभलने का मौका मिल चुका है टीम 20 को ड्यूअल नॉक कंज्यूम किया बट अभी तक शैडो का रिवाइवल दिया टैप शॉट्स टाइसन के ऊपर नॉक करना चाहते थे टाइसन को बट वोंट सक्सीड अपना ध्यान केंद्रित करेंगे टीम 16 के प्लेयर्स के ऊपर सैप्रो बैक एंड एरिया से वहां पर उनके द्वारा भी क्लोज आउट हुआ है एनआरई स्पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल दे वांट सम फिनिशेस कलेक्ट करके सर्कल की ओर जाना चाहते हैं दो कैजुअलिटीज ऑलरेडी कंज्यूम कर ली गई चार फिनिशेस भी निकाल दिए गए अच्छा स्टार्ट आईएनआर को मिला था बट दो सिली कैजुअलिटीज कंज्यूम कर ली गई लोग किस तरह से बीएल टाइसन का ट्रायल अपने खाते में कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे बीएल के रूप में टीम 16 ने कैजुअलिटी कंज्यूम करते हुए नजर आएंगे उस्मान जॉर्ड भी ऑफ गार्ड एंगल से वहां पर क्लोजिंग कर रहे सर्कल नंबर 3 हैज बीन इनिशिएटेड एंड विल बी गोइंग फॉर अ वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट सर्कल के अंदर हमें मौजूद देखने को मिलते हैं टीम 5 एज वेल एज टीम नंबर आई गेस 11 आईबी स्पोर्ट्स भी सर्कल के नॉर्दर्न एज पे फिलहाल के लिए मौजूद क्लाउड 9 स्पोर्ट्स ब्रिज के ऊपर एंड ब्रिज का एंट्रेंस नहीं बट ब्रिज का एग्जिट ब्लॉक करके रखा है एंट्रेंस से जो भी टीम आएगी एग्जिट पे सामना होगा क्लाउड 9 के प्लेयर्स के साथ एंड क्लाउड 9 ईस्पोर्ट्स दे विल डील अ स्प्रे आवाज कम आ रही है हेलो ब्रो इससे आवाज कम आ रही है लेट मी लिसन आवाज मेरे माइक का कम आ रहा है या फिर गेम का कम आ रहा है ब्रो Obviously, I guess mic का आ रहा होगा. Let me increase my volume. No worries. 90 कर देता है. कोई बात नहीं. Thank you. Hello, bro. बताने के लिए. Okay. बात करेंगे हम team number 18 की. Like this video के बाद. Curious of town brilliant work there by Sayed. अधीन पिछले ट्रिपल थ्रेट फाइट निकल कर आती हुई फिनिश कर दिया गया फ्यूरी को बाहर वापस ट्रैक कलेक्ट करेंगे फ्यूरी का अपनी टीम में शिकायत में यूनिट किया जाएगा फोर आरबी के ऊपर नजर आएंगे मुझे के ऊपर एंड फ्लैश के ऊपर वहां पर एंगल्स क्रिएट करते हुए हमको नजर आने वाले फहाद हार्ड कवर मौजूद है फ्लैश ओबी के पास जिसके चलते ये टेक डाउन करना विल बी अ टफ जॉब फॉर टीम नंबर 10 बट मुसैब इज नॉट डाउन आउट ऑफ नोवेयर अदीन विद दैट स्प्रे मुसैब इज नॉट डाउन दैट ओपनिंग हैज बीन क्रिएटेड फहाद माइट बी क्लोजिंग इट और अदीन फ्लैश ब्रिलियंट उनके पास मौजूद है फहाद इज नॉट डाउन फहाद नॉक डाउन सैयद फहाद ब्रिलियंट जॉब बाय हिम And down to one man ho chuki hai. Flash will be the last man surviving. Cocaine with that grenade. Fahad kaafi zyada close se move kar rahe the. Fahad ka connection banaya wahan par lekin Fahad succeed. Aur ek baar wahan par ek bullet connect hui zarur flash ki but won't be able to knock. Won't succeed to knock. आवाज कम आ रही है माइक का अभी सही आ रहा है लोगों ओपन में गए गलती कर दी अधीन वहां पर पनिश करेंगे 4RB फ्लैश को एंड 4RB स्पोर्ट्स दे आर एलिमिनेटेड ऑन एस दैट 14th पोजीशन लेट मी लिसन वंस
ओके ओके ओके, अभी समझ में आया मुझे क्यों आवाज़ कम आ रही है। अभी सही आएगी, अभी आवाज़ सही आएगी, नो वरीज। माइक थोड़ा दूर चले गया था मेरे मुंह से, बट आवाज़ अभी सही आएगी। एंड इनिशिएट होता हूँ, आपको देखने को मिलेगा स्टेज फोर। स्टेज फोर विल गो फॉर अ नॉर्दर्न हार्ट शिफ्ट, एंड नॉर्दर्न हार्ट शिफ्ट का मतलब 4GL e-sports को फेवर कर रहा है। जेडी तैरकर सर्कल की ओर बढ़ रहे हैं। आईबी e-sports दे आर प्रेजेंट एट द सर्कल। C9 e-sports ब्रिज को छोड़ना होगा एंड सर्कल की ओर बढ़ना होगा जल्द से जल्द। व्हीकल्स अच्छे खासे अमाउंट में वहां पर क्लाउड 9 के प्लेयर्स के पास मौजूद है, एज वेल एज हीलिंग्स भी। लुक एट द अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज अभी हैज, दो मोलोटॉव्स, 5 grenades, अच्छे खासे अमाउंट में वहाँ पर फर्स्ट एड्स भी मौजूद है। सरवार प्लेयर्स हैव 5 grenades टू बट नो मोलोटॉव्स। पानी की ओर से आते हुए सर्कल के अंदर हमको देखने को मिलने वाले के रूप में कैजुअलिटी कंज्यूम की। ओल्डर देन गॉड इज नॉक डाउन, टीम नंबर 16 दे आर ऑन बैक फुट। सोलो प्लेयर रेनेगेड बचते हैं वहां पर एंड काफी ज्यादा बैक एंड एरियाज पर लैग जरूर से कर रहे हैं। रीयूनाइट करना चाहते थे अपने टीममेट्स के साथ बट वोंट बी एबल टू सक्सीड, एंड फॉर द गेम सोलो प्लेयर के रूप में वहां पर डील करना होगा एंड अपनी टीम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट्स एज वेल एज फिनिशेस पॉइंट्स भी निकालने होंगे बिकॉज दे हैव सिक्योर्ड नो फिनिशेस। फिनिशेस का खाता अभी भी जीरो हमको देखने को मिलता है टीम नंबर 16 का। फिनिशेस जल्द से जल्द अपने खाते में अर्जित करने होंगे, एटलीस्ट वन फिनिश। फिनिशेस का खाता खोले बगैर इस मैच से बिल्कुल भी बाहर होना चाहेंगे नहीं टीम नंबर 16 के प्लेयर्स। रेनेगेड फिलहाल के लिए सर्कल के बाहर थोड़ा बहुत समय व्यतीत करना चाहेंगे, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स निकालना चाहेंगे बट ईओसी स्पोर्ट्स दे आर इन डीप ट्रबल एज गोस्ट इज नॉकडाउन। गोस्ट काफी ज्यादा एक्स फैक्टर प्लेयर है ईओसी के लिए एंड वही सबसे पहले नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे। फ्री कोजी ही इज हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल, फाइट इनिशिएट करने के मूड में ईओसी के प्लेयर्स थे। सर्कल को प्रेफरेंस दी जा रही है सर्कल के अंदर बढ़ते हुए। जॉनी कोकेन ही इज नॉकडाउन, बैक को यहाँ पर क्लियर करना ईओसी के नजरिए से काफी ज्यादा जरूरी। शैडो फिनिश करेंगे गोस्ट को, टीम नंबर 10 दे आर ऑन बैक फुट। कोकेन को रिवाइवल देना होगा, अधीन ओपन में पकड़े गए, अधीन के ऊपर वो स्प्रे आया अभी का, बेयर एसपी में सर्वाइव करेंगे। स्मोक्स का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी बट अभी इज नॉकडाउन, ही टेक अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन एंड फहद वहां पर पनिश करेंगे अभी को एंड फिनिश भी कर दिया जाएगा अपने खाते में। सातवां फिनिश टीम 10 अर्जित करती हुई हमको देखने को मिलेगी। दे आर इन अ रियली गुड पोजीशन, भले ही वहां पर जॉनी कोकेन को खोया एंड डाउन टू टू मैन हुए जरूर से बट सात फिनिशेस निकाले गए हैं थ्री मैन खेलने के बावजूद। कोई भी कॉम्प्रोमाइज वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ, कोई भी कॉम्प्रोमाइज वहां पर अग्रेशन के साथ करते हुए हमें टीम 10 के प्लेयर्स नजर बिल्कुल भी आए नहीं एंड अपने खाते में सात अर्ली फिनिशेस निकाले गए एंड ये फाइट ये मैच अपने स्टेज 5 की ओर बढ़ता हुआ कुछ ही देर में स्टेज 5 आपको इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा। विद इन 7 seconds आई गेस स्टेज 5 आपको इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा एंड बताइए चैट के अंदर स्टेज 5 आई गेस नॉर्दर्न हार्ट शिफ्ट, नॉर्दर्न हार्ट शिफ्ट स्टेज 5। ऑलराइट वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हार्ट शिफ्ट, रोमियो को फिनिश कर दिया एक्सोडस ऑन टॉप। रोमियो का फ्लैग अपने खाते में कलेक्ट करना चाहेंगे। नंगा गैंग इस गेम में आई गेस चिकन इधर निकालना चाहेंगे बिकॉज काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन में है बट उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं एक्सोडस ऑन टॉप। जैसे ही नंगा गैंग की बात की करते हुए नजर आए नंगा गैंग बिकॉज स्टारडम इज नॉट डाउन। Stardom, the IGL of Nanga Gang, he is knocked down. This will be the last match surviving. उनके ऊपर क्लोजिंग करते हुए टीम 20 के प्लेयर्स फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा रिपर को एज वेल एज स्टारडम को भी। जैसे ही हमने नंगा गैंग की तारीफ की नंगा गैंग भी करते हुए नजर आए। मोलोटोव अटेम्प्ट की वहां पर फ्लिक ने थोड़ा बहुत डैमेज ऊपर डील हुआ, ग्रेनेड आया, ग्रेनेड कनेक्शन बनाया, नंगा गैंग दे आर एलिमिनेटेड ऑन एज दैट 12th पोजीशन आउट ऑफ नोवेयर। लॉक सोलो प्लेयर प्लेइंग फॉर टीम 2, ही हैज मेक इट टू द सर्कल, पांचवें सर्कल के अंदर आगमन कर चुके हैं। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एयर ड्रॉप का कवर लिया जाएगा एंड पैसिवली थोड़ा बहुत समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे एंड जैसे ही ब्लू जोन आगमन करेगा एक लेट रोटेशन वहां पर हमें लॉक के द्वारा देखने को मिलेगी सर्कल के अंदर। बट जीनो आई गेस वहां पर पोजीशन के बारे में अंदाजा है लॉक के, डुअल सर्वाइव करता हुआ फेकी स्पोर्ट्स के द्वारा हमको देखने को मिलता है। जेंजो एंड प्लेयर नंबर 1 थोड़ी बहुत दया कास्टर के ऊपर कर लीजिएगा, इस किस प्रकार का नाम है मैं कैसे रीड करूँ इसे। ऑलराइट Zenzo with that grenade attempted but makes no connection. EOC ke players ke upar spot kiya hai wahan par. Is sahi samay par cover kiya chale hai. Kashmir is knocked down. Brilliant work there by Zenzo. Grenade pull kiya jayega yahan par and grenade ke sath mein wahan par connection bana chahenge EOC ke players ke upar. Agar ye grenade well precised hota hai, EOC has wiped out. Yes. Brilliant work there by Zenzo with that quick 1v2. EOC Esports they are eliminated on hashtag 10th position. Zenzo position ke bare mein wahan par लॉक के भी अंदाजा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा, लॉक के ऊपर कनेक्शन बनाया बट वोंट सक्सीड टू नॉक डाउन हिम, नॉक हिम डाउन, लोकी इज नॉक डाउन। प्लेयर 1 ब्रिलियंट जॉब बाय हिम, टीम 20 बिखरते हुए नजर आएंगे एज लोकी इज नॉक्ड डाउन एंड एट अ टाइम मल्टीपल टीम्स के साथ में यहां पर डील करना होगा टीम 20 के प्लेयर्स को। आईबी स्पोर्ट्स दे आर 4-man strong, पैसिव खेल रहे हैं इस गेम में, दे आर
एमिंग फॉर दैट विनर विनर चिकन डिनर, अपना ध्यान केंद्रित किया उस विनर विनर चिकन डिनर की ओर एंड पैसिव खेलते हुए नजर आएंगे। फिनिश मात्र एक निकाला गया है एंड एंड सर्कल का वेट किया जाएगा। एंड सर्कल में फाइट इनिशिएट करते हुए आईबी के प्लेयर्स हमको नजर आएंगे। सर्कल उन्हें फेवर कर रहा है, तारीफ की जाएगी यहाँ पर आईबी ई स्पोर्ट्स के आईजीएल की। सही तरीके से वहां पर सर्कल को एंटिसिपेट किया, सही तरीके से प्रेडिक्ट किया एंड जोन रीडिंग वॉज ऑन पॉइंट, रोटेशन वॉज ऑन पॉइंट एंड अपने चारों प्लेयर्स को जीवित रखा है एंड सर्कल में। कैपी मेक्स कनेक्शन ऑन लॉक एंड लॉक एज वेल एज टीम नंबर टू की कहानी यहाँ पर आठवें पायदान पर समाप्त होती हुई। अल्ट्रॉन व्हाट ऑन अर्थ, अल्ट्रॉन इज नॉट डाउन, अटेंड किया जाएगा स्प्रे बॉल के ऊपर। साइकर एफटीडब्ल्यू खड़े होकर स्प्रे देना आसान काम नहीं है, बट अच्छे खासे अमाउंट में अपर डैमेज डील किया गया है। प्लेयर नंबर वन ऑफ आई गेस टीम नंबर फाइव ही इज एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द सर्कल एंड सोलो प्लेयर बचते हैं फिक जेंजो। सर्कल की ओर बढ़ना है, 70 मीटर सर्कल की ओर बढ़ना है, जल्द से जल्द सर्कल की ओर बढ़ना चाहेंगे। गॉड ऑन दी अदर एंड ही इज नॉक्ड डाउन। टीम नंबर 11 दे आर फोर मैन स्ट्रॉन्ग विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 8 फिनिशेस। गॉड को रिवाइवल देते हुए ऑन टॉप हमको देखने को मिलेंगे, जल्द से जल्द उन्हें रिवाइवल देना होगा। क्लोज इन करते हुए सर्कल की ओर हमको नजर आएंगे ऑन टॉप। सर्कल अपनी टीम के लिए लेना काफी ज्यादा जरूरी, बट उनसे पहले सर्कल वूडी ऑन टॉप ले चुके हैं एंड ऑन टॉप ई स्पोर्ट्स सही तरीके से उनके द्वारा सर्कल लिया गया है, बट एक्सेस ऑन टॉप ओपन में गए, पनिश किया गया बैक एंड पर आईबी के प्लेयर्स उन्हें पनिश करते हुए नजर आएंगे। बेर एचपी में ऊपर ऑन टॉप सर्वाइव कर रहे थे, वहीकल को बर्स्ट किया जाएगा एंड अपने लिए कवर धारण किया जाएगा एंड एक अच्छे अमाउंट में वहां पर रिज मौजूद है, वो सेपरेशन बनाती हुई रिज बिटवीन आईबी, रिज बिटवीन आईबी स्पोर्ट्स एंड एक्सेलस ऑन टॉप, बट शैडो ही इज नॉक्ड डाउन। बीएस अननोन रेनेगेड के ऊपर वहां पर क्लोज इन करते हुए देखने को मिलने वाले सर्कल आगमन करता हुआ जो कि इक्वली प्लेयर्स को पनिश करता हुआ आपको देखने को मिलता है। फेक जेंजो के ऊपर वापस शॉट अटेम्प्ट, ओ माय गॉड, स्मोक के अंदर ब्लाइंड शॉट कनेक्शन, स्मोक क्रिमिनल बने अननोन बट नॉक डाउन कर दिया गया है रेनेगेड के द्वारा। रेनेगेड ही इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्कल, क्रूशियल पोजीशन पे मौजूद है एंड यहां से टीम 20 के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड अल्ट्रॉन इज नॉक्ड डाउन, पांच टीमें बचती है। सर्कल की ओर बढ़ना है, बीस पोस्ट के नजरिए से काफी जरूरी है गेस। अल्ट्रॉन को वहां पर रिवाइवल दिया जा सकता है, नहीं फ्लो की वहां पर हील बैटल करने वाले हैं, फर्स्ट एड लास्ट उनकी पॉपिन हो जाएगी। सर्कल की ओर बढ़ना होगा, क्या लोकी को अपर डाउन किया जा सकता है? नो, रेनेगेड फरहाद के साथ डील करना चाहेंगे। बचती आपके लिए टोटल अमाउंट ऑफ 5 टीम्स। कैपी इज नॉट डाउन ऑन टॉप विद ग्रेनेड, फरहाद इज बेली सर्विंग ऑन 10 HP। रेनेगेड का ये ग्रेनेड क्रूशियल होने वाला है टीम 16 के नजरिए से एंड नेक्स्ट कनेक्शन ऑन फरहाद, फरहाद अगेन सर्वाइव्स। स्प्रे आता हुआ रेनेगेड के ऊपर, सर्कल के अंदर से 4GL स्पोर्ट्स, दे हैव मेड इट टू द टॉप 5, पांचवें पायदान पर एलिमिनेट हो चुके हैं। बचती है आपके लिए टोटल अमाउंट ऑफ 4 टीम्स। फरहाद द सोलो प्लेयर प्लेइंग फॉर टीम 20, रेनेगेड द सोलो प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम टीम 16, टीम आईबी स्पोर्ट्स एज वेल एज टीम नंबर 11। चार टीमें बचती है विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 9 प्लेयर्स। आई गेस आईबी स्पोर्ट्स दे आर डाउन टू 3 मैन। नंबर्स एडवांटेज टीम 11 के प्लेयर्स के पास हमें मौजूद देखने को मिलता है एंड दे माइट गो फॉर दैट विनर विनर चिकन डिनर। एक वेल डिजर्व विनर विनर चिकन डिनर हमें टीम 11 के द्वारा देखने को मिल सकता है, बट यहां पर कोई ब्लंडर एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता है उनके द्वारा। एक ब्लंडर उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है इस गेम में। रेनेगेड एक क्रूशियल पोजीशन पे मौजूद है, फरहाद को स्पॉट किया, फरहाद को पनिश किया है। फरहाद की टीम इस गेम से चौथे पायदान पर बाहर हो चुकी है। ध्यान केंद्रित किया जाएगा आईबी स्पोर्ट्स के ऊपर, आईबी स्पोर्ट्स दे आर स्टार्टिंग टू मेक इट सर्कल। सर्कल के अंदर फिलहाल के लिए कोई भी टीम मौजूद नहीं है। रेनेगेड को पिक ऑफ कर लिया गया है, फ्लो की इज नॉट डाउन। सर्कल की ओर बची हुई टीम नंबर 11 को पिक ऑफ किया गया है। कैपी एंड स्ट्राइकर विल बी द ड्यूअल सर्वाइविंग। सर्कल की ओर चार्ज इन करते हुए टीम 11 वहां पर एक्सेल ऑन टॉप को नॉक डाउन किया जा सकता है। बट सक्सेस आई गेस एक्सेल ऑन टॉप है स्पॉटेड, कैपी नॉक डाउन किया जाएगा कैपी को। स्ट्राइकर एफटीडब्ल्यू इज हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कल, ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, पिक ऑफ किया जाएगा। मैच समाप्त होता है यहां पर टीम 11 विद दैट ब्रिलियंट विनर विनर चिकन डिनर विद अ टोटल अमाउंट ऑफ ओ माय गॉड गॉड विद सोलो फिनिश, सोलो 8 फिनिशेस with a total amount of 16 finishes, team 11 manages to secure a winner winner chicken dinner. Brilliant work by them. दूसरे पायदान पर IB Esports eliminate होती हुई हमें नजर आएगी with a total amount of 2 finishes and तीसरे पायदान पर Renegade की team with a total amount of 2 finishes #3 के साथ में compromise करना होगा। यही पर हमारा एयर एंगल का गेम समाप्त होता है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप रिजल्ट्स देख सकते हो guys. Hope you all guys have enjoyed and yes, make sure कीजिए आप स्ट्रीम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक गोल हमारा 25 लाइक्स का था जो कि अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, प्लीज़ लाइक गोल कंप्लीट करा दीजिए। एंड यहीं पर हमारा इरांगल का एंटरटेनमेंट समाप्त होता है। इफ़ यू गाइज हैव एंजॉयड मेक श्योर कीजिए आप लाइक सब्सक्राइब करें। मैं विदा लेता हूँ आपसे, मुलाकात होगी कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप ग्राइंडिंग।